वेलकम गाइस, आई होप यू आर वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 16 फरवरी। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है बहुत ही शानदार रहने वाला है। स्टार्टिंग में आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा लेंथी डिस्कशन होगा क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल हैं यार। एक एक आर्टिकल सुनकर आप लोगों को मजा आ जाएगा। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर आप लोगों को मिलने वाले हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। तो पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पेन और कॉपी अपने साथ लेकर बैठिएगा, बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को हो सकता है जो है नोट डाउन करने पड़ जाए। तो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर सुनते हैं तो उसको आप लोग थोड़ा सा और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो एक एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा काफी डिटेल के साथ में। काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल नॉर्मली हम लोगों ने सुना है, गेम्स के आर्टिकल इंपोर्टेंट नहीं होते। एक आर्टिकल आया यहाँ पर गेम के बारे में और खासकर अभी रिसेंटली यहाँ पर ये ही आर्टिकल आप लोगों का पब्लिश किया गया है जो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पेपर होता है। तो दोनों को कंबाइन कर मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पर कि रिसेंटली अभी कर्नाटक के अंदर में जो गेम को बैन करने की बात की गई और कोर्ट ने कैसे यहाँ पर उसको साइड में रख दिया। तो पूरा डिटेल में ये आर्टिकल डिस्कस करूंगा, काफी शानदार आर्टिकल होने वाला है। इसी के साथ में आखिर क्या मुद्दा दिया जिसकी वजह से यहाँ पर इसको बैन करने से मना किया, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसी के साथ में एक और आर्टिकल गेम से रिलेटेड है, ये है टेबल टेनिस फेडरेशन के बारे में। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन भी बताऊंगा और आखिर क्या है मुद्दा वो भी आप लोगों को समझाऊंगा, और एक इंटरेस्टिंग शब्द भी आप लोगों को बताऊंगा जिसका जो वर्ड का नाम है बेसिकली लिम्बो। तो लिम्बो क्या होता है बेसिकली, एक तरीके से अगर कोई आप लोगों को बोले कि आप लोग लिम्बो स्टेज में पहुंच गए तो क्या होती है लिम्बो स्टेज, उसी लिम्बो स्टेज में यहाँ पर पहुंच गए फिलहाल, अभी इसी के बारे में बात की जा रही है। तो इंटरेस्टिंग शब्द है, आप लोगों की डिक्शनरी को इम्प्रूव करेगा। बहुत ही उम्दा आर्टिकल है यहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी को अभी रिजर्वेशन देने की बात की गई है। तो क्या है डिलिमिटेशन कमीशन, कैसे कैसे यहाँ पर सीट्स होती हैं, ये आर्टिकल वैसे शाम को जो 8:30 बजे वाली वीडियो आती है उसमें ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मैं, पर लेकिन अब तक एडिटोरियल में यहाँ पर हिंदू के अंदर ये आर्टिकल नहीं आया था, तो आज यहाँ पर भी आ गया। वेट कर रहा था मैं इस आर्टिकल का, तो यहाँ पर भी आज आ गया। तो पूरी कसर निकालेंगे इस आर्टिकल की, पूरा डिलिमिटेशन कमीशन भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है पता नहीं क्यों आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया है। तो कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, तो बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों को जानने को मिलेगी। तो काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं आर्टिकल को। इसी के साथ में एक आर्टिकल है यहाँ पर किसके बारे में, ये कास्ट सेंसस के बारे में, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। आज का जो प्रीलिम्स फोकस जो एनालिसिस रहेगा बहुत उम्दा रहने वाला है, डिटेल में सुनिएगा। फ्रंट पेज पर ही यहाँ पर दे रखा है रसिया के और यूक्रेन के इशू को लेकर, और हमारी कंट्री के अंदर भी यहाँ पर इंडियन के द्वारा भी बेसिकली एडवाइस किया गया कि यूक्रेन को छोड़ दिया जाए। आखिर क्या है पूरा मुद्दा डिटेल में समझाऊंगा, कौन से पेपर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। एक कार्टून है यहाँ पर, ये काफी इंटरेस्टिंग कार्टून है, कई सारे ऐप जो है वो बैन कर दिए गए हमारे देश में। तो यहाँ पर ये कौन है आप लोग इनको देख सकते हैं, और आप लोग इसके ऊपर 40 से 50 शब्द जो है वो लिखकर भी देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो आप लोगों का एक एनालिटिकल पावर भी डेवलप होगा, तो अगर कोशिश करना चाहे तो कोशिश कर सकते हैं। बाकी यूक्रेन का मुद्दा क्या है पूरा डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करूंगा एक एक पॉइंट। अभी हमारी कंट्री में 4 राज्य ऐसे हैं जहां पर एंटी लिंचिंग बिल लाया गया है। एंटी लिंचिंग क्या होती है और ये बिल का क्या मतलब होता है, बहुत उम्दा तरीके से पूरे नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, तो एक एक बात जो है वो डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। इसी के साथ में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है तो समझेंगे क्या क्या मुद्दा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहां पर इंडिया के बारे में बात करें तो OIC में हमारी कंट्री को क्रिटिसाइज किया गया है हिजाब के इशू को लेकर, तो आखिर ये OIC क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए, और पूरा इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे OIC के साथ में, और हमारी कंट्री का क्या रिलेशन है OIC के साथ में। इसी के साथ में एक और आर्टिकल है यहाँ पर जो इंडिया के बारे में बात की जा रही है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के बारे में। मैंने आप लोग कल ही बोला था पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है इंडिया का सेक्युलरिज्म, क्योंकि मेंस के अंदर क्वेश्चन बना था कि हमारा सेक्युलरिज्म को कंपेयर किया गया था फ्रांस के सेक्युलरिज्म के साथ में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सेक्युलरिज्म क्या होता है फिर से एक बार बताऊंगा, अच्छे से आप लोग इसको कनेक्ट कर पाएंगे और काफी अच्छे से चीजें आप लोग समझेंगे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर क्राउड फंडिंग क्या होती है इसके बारे में समझेंगे, और इसी के चलते यहाँ पर अभी एक बीमारी है, कई सारी बीमारी ऐसी हैं जिसके चलते बात की जाती है, तो पूरा जानेंगे। दो पर्सनैलिटी अभी हमारे बीच में नहीं रही, एक तो यहाँ पर दीप सिंधु और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पर जो कि बंगाली सिंगर है, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर्सन स्पेसिफिक न्यूज के अंदर पूछ ले आते हैं पर्सन इन न्यूज में, तो पूरा डिटेल में समझेंगे। CBI के एक फ्रॉड के बारे में बात करूंगा, बैंक का जो सबसे बड़ा फ्रॉड बताया जा रहा है आखिर क्या है हम लोग समझेंगे। हमारी कंट्री में डिजिटल विलेज मैप तैयार किया जा रहा है, आखिर किसके थ्रू यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, तो स्वामित्व जो स्कीम के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों से बात करूंगा, तो इंपॉर्टेंट जाते हैं प्रीलिम्स के लिए भी। इंडिया क्या आज के टाइम में प्रेशर मान रहा है रशिया का, जब यूक्रेन के मुद्दे पर बात करते हैं समझेंगे आखिर क्या। इसी के साथ में अफगान के बारे में एक आर्टिकल है यहाँ पर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पर, तो इसको एक ओवरव्यू में आप लोगों को दूंगा ताकि अच्छे से आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर NCB के बारे में बात की जा रही है,
और यहां पर डाकाथोन के बारे में बात की जा रही है। तो डाकाथोन क्या है और एनसीबी क्या है, डिटेल में आप लोगों से बातें करूंगा, इंपोर्टेंट आर्टिकल यहां पर बन जाता है। इसी के साथ में जब हम लोग आगे जाएंगे वीडियो के एंड में, तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा सुडोकू, जो कि आप लोगों को मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो इसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट करा करो, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलता है। और आज के जो एसएलवी जो यहां पर कमांडो चैंपियन है यहां पर, यह है अवतार कोटवाल, काफी अच्छे से आंसर यहां पर इनके द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग समझेंगे। बाकी सेक्युलर वर्ड जो आप लोगों से मैं आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, याद रखिएगा हमारे संविधान में इसको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में। तो जो हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना यार, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा सेक्युलर वर्ड नहीं था, तो उसको बाद में ऐड किया गया इंदिरा गांधी जी के टाइम पर, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। और बाकी 5 वोकैबुलरी जो कि आप लोगों की लाइफ में इंग्लिश को इंप्रूव करने का काम करेंगे, या फिर एनडीए सीडीएस या किसी और एग्जाम की तैयारी करें, वहां पर भी आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाएगी। तो इसलिए कह रहा हूं पूरा डिटेल में लेक्चर को सुनिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। डेली 2 आंसर राइटिंग के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को देता हूं, उनको आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा कि आप लोग एक आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस अच्छे से कर सके, ठीक है। तो यहां से आप लोग देखेंगे यहां पर डेली रेगुलर 2 आंसर राइटिंग के क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं, कल भी मैंने 2 आंसर राइटिंग के देते, तो आप लोग यहां पर जाकर इनको लिख लीजिएगा, आधा घंटा कम से कम आप लोग दे सकते हैं आंसर राइटिंग ग्रुप में जाकर, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लेना यहां पर। इसी के साथ में SLVpedia नाम से जो चैनल है यहां पर, इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, सारे नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूं यहां पर। हिंदी के वाले जो बच्चे ना कई बार बोलते हैं सर हिंदी की पीडीएफ नहीं मिल पाती है, तो हिंदी में भी यहां पर प्रोवाइड करवाने स्टार्ट कर दिए हैं आप लोगों को, आगे भी यहां पर रेगुलर नोट्स देखने को मिलेंगे। कल को कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग यहां पर इजीली सर्च कर सकते हैं SLVpedia नाम से, जैसे विकीपीडिया है ऐसा एक पूरा एक आप लोगों को यहां पर ये पूरा चैनल बन जाएगा, कोई डाउट नहीं देखने को मिलेगा। कहीं घूमते हुए सर्च करना है, आराम से सर्च कीजिए और अपना रिविजन कर लीजिए। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराऊंगा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ में, कहां पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसको जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। एक आंसर राइटिंग हो गया, 3 बेसिकली चैनल है, जिस किसी को कंफ्यूजन हो, एक तो आंसर राइटिंग हो गया, एक में पीडीएफ वगैरह नोट्स ये चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं, और एक में प्रॉपर नोट्स जो कि आप लोगों के लिखित होते हैं अगर पीडीएफ आप लोगों को नहीं लेनी है तो, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा पूरा, तो इसलिए अच्छे से एंजॉय करिएगा पूरे आर्टिकल को। आज की डेट में बात करें तो डेटा पॉइंट भी आता है हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर, तो यहां पर डेटा पॉइंट समझेंगे। मैं इसका वेट भी कर रहा था डेटा पॉइंट का, तो यहां पर इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है यहां पर, उसके बारे में भी आप लोगों से यहां पर बेसिकली मैं डिस्कस करूंगा। तो पूरा उमदा डिस्कशन रहेगा, एंड तक देखिएगा वीडियो को प्रॉपर तरीके से। दोस्तों वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा, उसमें लिखा था इट्स हैपन ओनली इन इंडिया। तो नॉर्मली यहां पर एक ऐसा ही केस देखने को मिल रहा है, जैसे रानू मंडल का केस देखने को मिला, कच्चा बादाम का केस देखने को मिला, और अभी आप लोगों को एक छोटा सा बच्चा था जिसमें बचपन का प्यार एक सॉन्ग गाया गया था, उसमें एक ऐसे इंसान को उठाया जाता है उसका टैलेंट देखकर बेसिकली, जो कि काफी गरीब तबके का होता है सोसाइटी का, और फिर यहां पर कुछ ना कुछ एक तरीके से उसके टैलेंट के बेस पर उससे काम कराया जाता है। पर लेकिन अब की बार जो यहां पर है थोड़ा सा डिफरेंट है, एक मजदूर इंसान उसको बेसिकली मॉडलिंग के लिए चूज किया गया यहां पर, और यहां पर आप लोग देखते हैं स्टार्टिंग में ये कुछ ऐसा दिखते थे, और फिर यहां पर जब इनका पूरा मेकओवर किया गया तो पूरा एक शानदार तरीके से यहां पर इनकी पूरी पोजीशन चेंज कर दी गई, और बिल्कुल एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आप लोग देखते हैं यहां पर देखने को मिली। तो आगे आने वाले टाइम में यहां पर ये एज ए एडवर्टाइजर के तौर पर यहां पर इनको यूज किया जा सकता है, इनको अगर प्रोजेक्ट मिलते हैं तो ये कंटिन्यू करेंगे, पर लेकिन चांसेस काफी कम रहते हैं। पर फिर भी इंडिया के अंदर ये काफी सारी चीजें आप लोगों को फिलहाल देखने को मिल रही है, तो इसीलिए मुझे लगा आप लोगों के साथ में इसको भी शेयर किया जाए यहां पर, कि मजदूर से मॉडल तक का सफर यहां पर अभी इनको देखने को मिला। अब बैक इसी सिचुएशन में अगर पहुंच जाते हैं तो यार ये वास्तव में ही एक बहुत ही गलत चीज होगी, क्योंकि रिसेंटली कई सारे केसेस हम लोग देख चुके हैं कि यहां पर कोई पर्टिकुलर पर्सन उठता है और वो एक थोड़े टाइम के लिए यानी एक तरीके से अपनी खुद की कमाई अच्छी खासी कर लेता है उनके नाम पर, और फिर उसको ऐसे ही छोड़ देता है, तो वो वाली चीज ना हो कम से कम इनके साथ में। तो इस बात की आप लोग दुआ करना। वैसे ये कैसा लगता है आप लोगों को अगर कोई ऐसा एक नॉर्मल पर्सन उठकर ऐसी जगह जाता है, तो ये कैसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में नॉर्मली कम से कम ये देखने को तो मिल रहा है, कम से कम सोशल मीडिया के चलते, वरना हो सकता था कि क्या पता कभी जिंदगी में ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो हर चीज को थोड़ा सा पॉजिटिव भी लिया करो, ठीक है। कम से कम आज के दिन इनके बारे में हम लोग जान तो रहे हैं, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो कभी इनके बारे में जान भी नहीं पाते, तो एक पॉजिटिव आउटलुक रखा करो, ये इंटरव्यू में बहुत काम आएगा आप लोगों यार, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी चीजें आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी राय लिखिएगा और एक अच्छे शब्द यूज कीजिएगा, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी लिखें, मतलब जो भी आप लोगों को लगता है पॉजिटिव बातें अगर पूछ ले जाए आप लोगों से कि इंडिया में ऐसे ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, तो थोड़ा सा थोड़ जरूर दीजिएगा इसके ऊपर, बस मैं चाह रहा हूं आप लोगों से, ओके। दोस्तों बड़ी ही शानदार यहां पर महात्मा गांधी जी के द्वारा बोली गई है, और इसको आप लोग अपनी लाइफ में भी कोरिलेट कर सकते हैं, ये एक मोटिवेशनल कोट के तरीके से भी ले सकते हैं, और इसी के साथ में ऐसे या फिर आंसर राइटिंग में भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ ले जाए अगर प्रीलिम्स के अंदर में आप लोगों को स्टेटमेंट देकर कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोली गई है, तो भी एक काफी प्यारा क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर बन सकता है। बोला गया टू बिलीव इन समथिंग एंड नॉट लीव इट
इज डिसोनेस्ट, यानी कि एक तरीके से अगर कोई भी चीज आप लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं, ठीक है, और फिर उसे आप लोग जीना नहीं चाहते हैं, तो ये अपने आप में अपने आपके साथ में बेईमानी है। यानी कि आप लोग को लगता है कि ये काम आप लोग कर सकते हैं पर फिर भी आप लोग वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग खुद के साथ में बेईमानी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी बेईमानी है जो कोई बाहर वाला नहीं कर रहा है, आप लोग अपने खुद के साथ में कर रहे हैं। यानी कि आप लोगों को लगता है कि आप लोग अपनी जो बॉडी पर फैट चढ़ा हुआ है उसको हटा सकते हैं, आप लोगों को लग रहा है कि अगर थोड़ा सा बैठकर हिम्मत करकर आप लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, आप लोगों को लग रहा है मॉर्निंग में आप लोग उठ सकते हैं पर लेकिन उठ नहीं रहे, आप लोगों को लगता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं पर कर नहीं रहे, आप लोगों को लगता है कोई भी काम करने का और आप लोग नहीं कर रहे, तो ये रियलिटी में आप लोग अपने साथ में बेईमानी कर रहे हैं। तो यार ये मैक्सिमम टाइम आप लोग बाहर का तो दुश्मन देख लेते हो कि हाँ वो इंसान मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, पर लेकिन रियलिटी में क्या आप लोग कभी अपने अंदर झांके हो? अपने अंदर अगर आप लोग झांकोगे तो आप लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो इंसान अपना खुद होता है, क्योंकि कोई इंसान बाहर वाला आप लोग को एक टाइम बर्बाद कर सकता है, एक टाइम आकर गाली दे सकता है, एक टाइम थप्पड़ मार सकता है, एक टाइम लड़ सकता है, कुछ उल्टी सीधी बातें बोल सकता है, पर लेकिन 24 घंटे आप लोग अपने साथ में रहते हैं। और जब आप लोग अपने साथ में रहते हैं, अगर खुद आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, अपने आप को गलत इरादे से गलत नजरों से देख रहे हैं कि मेरे बस की बात ही नहीं, आज तक मैंने नहीं किया कैसे करूंगा, ये तो ऐसे ही चलती रहती है जिंदगी, ऐसे ही चलती रहेगी, तो आप लोग अपने साथ में बेईमानी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे खतरनाक बेईमानी है भाई साहब, इसका कोई इलाज नहीं है। उन्हें कहते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा कि शक की दवा तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं थी, तो ये एक ऐसी ही चीज है, तो इसको सुधारो। अगर कोई चीज आप लोग लगती है आप लोग कर सकते हैं तो उसके ऊपर ट्रस्ट करो और उस चीज को करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ये एथिक्स के अंदर अगर कुछ लिखने के लिए आए तो वहां पर भी आप लोग इस कोटेशन को यूज कर सकते हैं, ओके। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि अब आप लोगों का डिस्कशन जो है वो थोड़ा सा प्रीलिम स्पेसिफिक में आप लोगों का करने वाला हूं, जिससे प्रीलिम्स पर और ज्यादा फोकस आप लोगों का रहेगा। सारे जो भी आर्टिकल्स रहेंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या फिर कॉन्सेप्ट बताया करूंगा जो कि प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के देखने को मिलेंगे, तो उस तरीके से और ज्यादा आप लोगों का डिस्कशन आने वाले टाइम में प्रोडक्टिव होने वाला है। जो क्वेश्चन देता हूं उसको भी आप लोग अच्छे से सुनिएगा, वीडियो के एंड में इसका आंसर मिल जाया करेगा जैसा कि आप लोगों ने बोला था, तो ये अच्छा भी है, दिन के दिन में ही आप लोगों का पूरा एक डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो जाया करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे से एक नया डिस्कशन आप लोगों का देखने को मिला करेगा, तो ये आप लोगों के द्वारा ही सजेस्ट किया गया, अच्छा लगा मुझे आइडिया, इसलिए इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। तो आंसर दीजिए इनके, वीडियो के एंड में फिर आंसर बताता हूं। केन बेतवा लिंक जो है उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये कैनाल कहां से पास थ्रू होती है, कौन से नेशनल पार्क से, पूरा डिटेल में बात करूंगा वीडियो के एंड में, तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। बात की जा रही है पन्ना नेशनल पार्क से या फिर पंच नेशनल पार्क से या फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क से या फिर कान्हा नेशनल पार्क, तो कहां से होकर गुजरता है केन बेतवा लिंक, तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, इवन बजट के अंदर भी इसके बारे में मेंशन किया गया था, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़िएगा, जब मैं आप लोगों को बताऊंगा तो पूरा डिटेल में आप लोगों की समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ये काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ पर ओशियन करंट के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, अभी यहाँ पर जो शाम को वीडियो आती है कई सारे बच्चों ने आंसर भी दिए थे उस टाइम पर भी, इसी के चलते यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बात की जा रही है यहाँ पर, और हाँ ये आप लोगों का एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर है पूरा का पूरा, तो एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा वीडियो के एंड में, तो एक स्टैटिक पूरा आप लोगों का एनसीईआरटी का जो बेसिकली कवर हो जाएगा करंट्स के बारे में, कहाँ कहाँ कौन सी करंट बहती है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, यह है बेसिकली ओयासियो, ये एक करंट है, बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये साउथ पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा है कैनरी, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ पर यह है बेगुला, ये साउथ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलती है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट स्टेट बेसिस में भी आते हैं कि करंट के नाम दे देते हैं आप लोगों से और बोलते हैं कि नाम बताइए इस करंट का, तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है ना एग्जाम में, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, एक टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाएगा पूरा अच्छे से, ठीक है। तो तब तक आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, इसलिए कहता हूं वीडियो के एंड में आंसर जरूर देखा करो, इनका एक्सप्लेनेशन आप लोगों को प्रॉपर वे में मैं दिया करूंगा और अच्छे से, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहे। अब आगे से क्या किया करूंगा, जिससे इनकी क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बताया करूंगा, तो एक टॉपिक सा आप लोगों का कवर हो जाया करेगा, ठीक है, ताकि एक करंट का पोर्शन जो है स्टैटिक पोर्शन के साथ में और अच्छे से आप लोगों का कवर हो जाया करे, तो बिल्कुल अच्छे से देखना है। इसी के साथ में एक स्कीम भी आप लोगों की कवर हो जाएगी जब आंसर बताऊंगा। तो यहां पर बात की जा रही है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में, ये कैसी स्कीम है, और अभी रिसेंटली न्यूज में क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। बोला जा रहा है कि 2017 में यहां पर ये स्टार्ट की गई थी और मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, यानी कि मातृत्व लाभ कार्यक्रम है, यानी कि यहां पर जो मां होती है बेसिकली प्रेग्नेंट वुमेन होती है या फिर लैक्टेटिंग मदर, यानी कि एक तो ऐसी मां जो कि प्रेग्नेंट है, एक या बच्चे को जन्म दे चुकी है, बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये स्कीम 2017 में स्टार्ट की गई थी उनको फायदा पहुंचाने के लिए, जिसका नाम भी रखा गया प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। दूसरा बोला गया यहां पर ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है,
तीसरी स्टेट में बोला गया कि कैश बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड करा जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को, ताकि इनहेंस किया जा सके उनकी न्यूट्रिशनल जो भी नीड है, और इसी के साथ में उनको पार्शियली कंपनसेट भी किया जा सके उनका जो वेज लॉस होता है, यानी कल को चलकर अगर उनकी जॉब छूट जाती है, कोई दिक्कत देखने को मिलती है, तो उसमें भी सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी। तो सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 एंड 2, बी में बोला गया 2 एंड 3, सी में बोला गया 1 एंड 3, और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो अच्छे से इसको अटेम्प्ट कीजिए, वीडियो के एंड में डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप लोगों का मिलेगा, जिससे आप लोग अच्छे से इसको कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से एक स्कीम भी आप लोगों की कवर हो जाएगी वीडियो के एंड में। तो अच्छे से इसका आंसर दीजिए और फिर देखिएगा कि आप लोगों ने सही आंसर दिया है या फिर नहीं। ओके, ये जो है आप लोगों को एक एक जो बेसिकली स्टेटमेंट याद आ रही होगी, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी, जिसमें योगी जी के द्वारा बोला गया था कि अगर आप लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं की तो जो उत्तर प्रदेश है वो भी बिल्कुल जैसे कि आज के में अगर बात करें वेस्ट बंगाल, केरला या फिर जम्मू एंड कश्मीर जैसा बन जाएगा। तो मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ आना चाहिए, तो यहाँ पर ये एक डेटा है, काफी इंटरेस्टिंग डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल से आते हैं, केरला से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं, तो ये डेटा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पर कंपेयर किया गया है जम्मू एंड कश्मीर को इन तीनों राज्य के साथ में कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या कंडीशन है आज के में उत्तर प्रदेश के इन तीनों राज्य के साथ में। इसी के साथ में वेस्टेड जब बात करते हैं बच्चे की, वेस्टेड का मतलब होता है कि जब बच्चे की जो वेट और बेसिकली हाइट देखी जाती है, ठीक है, अगर एज के हिसाब से तो क्या कंडीशन है आपका। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें पर कैपिटा नेट स्टेट की डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में बात की जा रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आज की डेट में ये सारे इंडिकेटर आप लोगों के सामने है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, अगर उसको एनीमिया है तो वो कैसे है, इसी के साथ में हाउस होल्ड कैसे कवर किए जा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस के तहत में, चाइल्ड जो अंडरवेट होते हैं उसके बारे में बात की जा रही है, रूरल पॉपुलेशन में घर में पानी की सप्लाई कितनी है, ये है। तो ये सारा डेटा जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, अगर आप लोग इनमें से किसी भी राज्य के अंदर आते हैं और आंसर राइटिंग लिखने के लिए आता है तो यार ये वो पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो सारा डेटा इकट्ठा मिल गया आप लोगों को चारों राज्य के बारे में, और वो भी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, तो इसलिए अपने पास में रखिएगा इनको, और कहीं पर भी जरूरत पड़े तो इनको यूज कर सकते हैं एक सजेशन के तौर पर कि हाँ यहाँ पर हम लोग को इंप्रूव करने की जरूरत है। और खासकर आप लोगों ने देखा होगा अगर स्टेट पीसेस की आप लोग तैयारी करें तो इस डेटा से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही उम्दा है यहाँ पर ये आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, खासकर जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, और इनकी सबके बारे में एक जगह इकट्ठी इन्फॉर्मेशन आप लोगों की हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इसको समझोगे, तो ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा रियलिटी में यार, ये डायरेक्ट आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको एंजॉय कीजिएगा। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट फेज की ओर, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, इंपॉर्टेंट है, काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी, और जीएस पेपर 1 और 2 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं। अभी रिसेंटली क्या किया गया हमारी कंट्री में, एक पर्टिकुलर कानून पास किया गया था यहाँ पर किसके द्वारा, कर्नाटका के द्वारा। कर्नाटका हमारी कंट्री में यहाँ पर एक राज्य आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि कई सारे राज्य के साथ में बॉर्डर टच करता है, जैसे कि गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया और केरला हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बन जाता है कि आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाए कि कर्नाटका को कितने राज्य टच करते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब मुद्दा क्या है वो समझ लेते हैं। मुद्दा यहाँ पर यह कि रिसेंटली अभी यहाँ पर 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे वाले दिन यहाँ पर कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया। तो उस डिसीजन में कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा क्या किया गया, जो कर्नाटक पुलिस अमेंडमेंट एक्ट था 2021 का, ठीक है, उसमें क्या था, ऑनलाइन अगर कोई गेम खेलता है तो उसके ऊपर बैन लगाया गया था। तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने यहां पर क्या किया, इनके इस एक्ट के ऊपर बेसिकली यहां पर बैन लगा दिया, यानी कि ये जो एक्ट है यहां पर ये अगर किसी को ऑनलाइन गेम खेलने से रोकता है तो ये एक्ट जो है वो सही नहीं है। आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि आज की डेट में देखिए बच्चे जो है ना गेम्स के पीछे काफी हद तक परेशान रहते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो हाईकोर्ट का ये मानना है कि गेम के पीछे जो बच्चे परेशान रहते हैं, एक तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और कई बार क्या रहता है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन अगर कोई खेल रहा है तो उसमें पैसे भी लगाए जाते हैं, ठीक है, एक तरीके से सट्टेबाजी चल जाती है वहां पर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा कानून बनाया गया था, और इसके चलते यहां पर जो ओल्ड फॉर्मेट जो भी जितने ऑनलाइन गेम का चाहे कोई भी फॉर्मेट क्यों ना हो उसको सबको बैन कर दिया। तो ये कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, दो फॉर्मेट काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, और आप लोगों से क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है अगर आप लोगों से कोई पूछे इनके बारे में, ठीक है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होता है बेसिकली गेम ऑफ स्किल, याद रखिएगा इन दोनों टर्म्स को, एक होता है गेम ऑफ स्किल और दूसरा होता है बेसिकली गेम ऑफ चांस, यानी कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस। मतलब क्या है इसका, मतलब यहां पर यह कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन के अंदर स्किल है उस गेम को खेलने के लिए, स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अगर मैं बोलूं आप लोगों को ऑनलाइन चेस खेलना है तो स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है,
आप लोगों को अगर इस तरीके से बोलेंगे कि कोई भी ऐसा जिसमें स्किल की जरूरत है, पर लेकिन अगर आप लोगों को आज की डेट में बोला जाए कि आप लोगों को लूडो खेलना है तो स्किल की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आप लोगों को, तो उसमें लूडो को एक डिग्गी सीखो बस ऐसे डालना है उस पर, जो भी आएगा आप लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं। अब आप लोग बोले उसको फेंकने में भी स्किल चाहिए खिलाने के लिए, तो यार देखो वो बेसिकली हाई कोर्ट ने भी नहीं माना है, ठीक है। तो उसको बेसिकली बोलते हैं गेम ऑफ चांस, कि आप लोग फेंक रहे हैं चीजों को इस तरीके से और चांस के कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो उसमें स्किल नहीं होता है। तो गेम ऑफ चांस को आप लोग एक बार को बंद कर सकते हो, पर लेकिन गेम ऑफ स्किल जो है वो तो इंसान की स्किल है ना, एक तरीके से उसको चेस खेलना आता है, उसको बंद नहीं कर सकते। तो ये मुद्दा बन गया, तो दोनों के बारे में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मुद्दा क्या हो गया, मुद्दा यहां पर ये हो गया कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो कि ऑनलाइन गेम खेलता पाया गया तो एक तो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, यानी कि उसकी बेल नहीं होगी, और ऊपर से 1,00,000 रुपए का फाइन लगेगा और यहां पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। भाई साहब इतनी खतरनाक चीज, अगर कोई गेम खेलता है तो गेम खेलने से पहले आप लोग सोच लेना कि खेलना भी है नहीं खेलना है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये आ गया कि जब ये सारे मुद्दे हो गए तो यहाँ पर जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ये भाई साहब कोर्ट में चले गए और उनके द्वारा बोला गया कर्नाटका के द्वारा जो हरकतें की जा रही है सही नहीं है। दो मुद्दों के तरीके से ध्यान में रखते हैं उनके द्वारा ये बातें बोली गई, दो क्या तीन मुद्दे हैं बेसिकली जो कि इंपॉर्टेंट भी है। पहला मुद्दा तो इनके द्वारा ये बोला गया कि इसकी वजह से जो राज्य के अंदर में जो स्टार्टअप हब स्टार्ट हो रहा था, यानी कि स्टार्टअप यानी कि जो काम करना स्टार्ट करते हैं, कंपनी बनाते हैं और फिर लोगों को व्यापार भी देते हैं, लोगों को जॉब भी देते हैं और देश को व्यापार भी देते हैं और पैसा भी कमाते हैं, तो स्टार्टअप जो है हमारी कंट्री में बेसिकली जो गेम के फील्ड में वो प्रॉपर वे में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर इसके ऊपर बैन लगा देते हैं तो काफी बड़ा रिवेन्यू डेफिसिट आएगा, यानी कि जो पैसा राज्य कमा रहा है वो राज्य के पास में पैसा नहीं आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, ये ऑफशोर गैम्बलिंग जो है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी और हमारी देश जो है यहाँ पर पीछे छूट जाएगी, इनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोलेगी। अब मुद्दा क्या आ गया, मुद्दा यहाँ पर ये आ गया जब कोर्ट के पास में पहुंचा, तो कोर्ट तो भाई साहब अच्छी सी चीजों को समझता है। अब कोर्ट ने यहाँ पर पूछा कर्नाटका गवर्नमेंट से कि भाई साहब तुम्हारा पक्ष क्या है इसमें, आखिर क्यों आप लोगों ने ये कानून लेकर आए और इसमें क्या क्या गलत खामी है, वो उसके बारे में आप लोगों से बातें की जाएगी। अब जुडिशियल जब स्क्रूटनी की गई यहाँ पर, जुडिशियल स्क्रूटनी मतलब उसको एक्ट को कानून को देखना कि कानून सही है या फिर नहीं सही है, मतलब कैसे देखते हैं, बेसिकली हमारी कंट्री में संविधान है, संविधान के हिसाब से देखते हैं कि लोगों के अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है जो कानून बनाए, और अगर हनन हो रहा है तो फिर यहाँ पर उसको साइड में रख देते हैं कि भाई साहब इसको आप लोग डस्टबिन में डाल दो। तो जो लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट यहाँ पर किया गया था अभी कर्नाटक के द्वारा, तो उसको डस्टबिन में डाल दिया, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह कि ऐसा ही मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा भी काम किया गया था जब यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर भी रम्मी और पोकर बेसिकली जो गेम है उसके ऊपर इसको टारगेट करते हुए बैन लगाया गया। तो यहाँ पर अब हाईकोर्ट क्या बोल रहे हैं उनकी बातें हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आज की डेट में बात करें, हर एक इंसान जो है उसके पास में खुद के अधिकार है, जैसा मैंने आप लोग कई बार बताया, जैसे पार्ट 3 में भी आप लोग जाएंगे ना तो आप लोगों को आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है, और इसमें आर्टिकल 19 जो है ये काफी इंपोर्टेंट है, यहाँ पर आप लोगों को अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछ ले जाएगा। और इसी के साथ में एक इंपोर्टेंट यहाँ पर याद रखिएगा, ये अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेस एंड ऑक्यूपेशन ट्रेड एंड बिजनेस, यानी कि इंसान जो है अपना व्यापार कर सकता है, तो ये भी अधिकार देता है। तो अगर कोई अपना एंजॉय कर रहा है गेम वगैरह तो उसको बेसिकली उसकी बेसिकली जिंदगी जो है वो एंजॉयमेंट में चल रही है, तो अगर वो फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार ले रहा है, और आर्टिकल अगर बात करें 21 के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ मतलब एक इंसान अपनी लाइफ को अपने हिसाब से यूज कर सकता है, कैसे उसको यूज करना है, गेम खेलना है नहीं खेलना है, तो ये दोनों अधिकार फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है यहाँ पर, पहली बात। दूसरा, अगर कोई व्यापार अपना कोई व्यापारी अपना व्यापार करना चाह रहा है तो आप लोग उसको व्यापार नहीं करने दे रहे, इनके ऑनलाइन जो गेम बनाने वाली कंपनी है उनके व्यापार में भी आप लोग हनन डाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है, इस चीज को आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। और आप लोग क्या कर रहे हैं, पापा बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पैटर्नलिस्टिक रोल आप लोग प्ले कर रहे हैं कि बच्चों को, नहीं माँ बाप बोलते हैं कि गेम बंद कर दो अब सो जाओ रात हो गई है ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आप लोगों के बेसिकली अधिकार क्षेत्र में आते ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि यहां पर अगर बात करें तो गेम ऑफ स्किल होता है और गेम ऑफ चांस होता है। गेम ऑफ चांस को तो चलो समझ में आता है आप लोग बंद कर देते हो, पर लेकिन स्किल को बंद करने का अधिकार आप लोग किसने दे दिया, ठीक है, ये तो इंसान की स्किल है उसको तो आप लोग बंद कर ही नहीं सकते। तो कर्नाटका जो हाईकोर्ट है उसने बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा अपनी आनंद बानी करके बोला कि नहीं इसकी वजह से पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर बेकार हो रहा है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला अच्छा जी ऐसा हमको समझाओगे, हमको सिखाया है, तो ये बातें बोली। तो उसके चलते आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आज की डेट में यहां पर कंडीशन ये निकल के आ रहे हैं कि इनके द्वारा बोला गया कि 28,000 के करीब केस जो है यहां पर देखने को मिले, जिसमें काफी ज्यादा खतरा देखने को मिला गैम्बलिंग के चलते, और यहां पर ये बेसिकली दिक्कतें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो उसके चलते यहां पर कई सारे इश्यूज निकल कर आए, तो कोर्ट ने यहां पर उसको अलग तरीके से देखा। कोर्ट ने बोला कि अगर कोई आज के डेट में इंफॉर्मेशन एक्सप्रेशन या फिर एंटरटेनमेंट है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया है संविधान में फंडामेंटल राइट के थ्रू। अब इंसान को खुद से डिसाइड करने दो, आप लोग उसको अधिकार देते हो ना 18 साल का होते ही वोट डालने का, मतलब उसको इतना भी अधिकार नहीं दोगे कि उसको कौन सा गेम खेलना है, अब उसको खुद से डिसाइड करने दो, उसकी जिंदगी वो खुद बर्बाद हो रहा है। तो
आप लोग इस तरीके से स्टेप नहीं उठा सकते, पहली इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोलेगी। और दूसरा, चलो एक बार को इसकी बात को मान ले, आप लोग लोगों को व्यापार नहीं करने दे रहे जो लोग अपना व्यापार करना चाहते हैं, तो आप लोग यहां पर उसके चलते यहां पर एक अलग ही मतलब रोल प्ले कर रहे हैं, और गेम ऑफ स्किल को आप लोगों की स्किल डेवलपमेंट नहीं करने दे रहे, तो ये बातें बोलेगी। और इसी के साथ में यहां पर ये एक ही बात है पर दो अलग अलग तरीके से इसको समझाया गया। बोला यहां पर क्या गया बेसिकली कि आज की डेट में गैम्बलिंग को बात करें ना, आप लोग क्या करें, पूरी आप लोगों ने बोल दिया कि ऑनलाइन गैम्बलिंग नहीं खेली जाएगी, पर लेकिन ऑफलाइन गैम्बलिंग के बारे में आप लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन तो आप लोगों ने कंट्रोल कर लिया, अब फिर तो ऑफलाइन भी कंट्रोल होना चाहिए। गैम्बलिंग यानी कि सट्टेबाजी जो होती है, तो एक तरीके से तो इस तरीके से बोला गया कि आप लोग मीडियम देख रहे हैं यहां पर कि रेगुलेशन का बैन करना है ऑनलाइन, ऑफलाइन के बारे में आप लोग कुछ बोल ही नहीं, तो ये बिल्कुल एक सही तरीका नहीं है, मतलब मुझे तो पसंद आया नहीं। उसने कहा बेसिकली हाईकोर्ट ने, मुझे पसंद नहीं आया, ठीक है आप लोग कुछ और सटीक रीजन लेकर आओ जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल सके। और गेम ऑफ स्किल जो है यहां पर ऑनलाइन गेमिंग में, ये आप लोग बेसिकली इसको पनिशेबल ऑफेंस बना रहे हो, ठीक है, पर वही बात अभी बोल रहे हैं यहां पर, अमेंडमेंट जो है वो एक जनरल एक्सेप्शन होना चाहिए, एक जनरल कानून के लिए, यानी कि आप लोगों ने कानून बना दिया, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सबके लिए हो गया, पर लेकिन आप लोग एक ही पाले में गेंद फेंक रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, तो इसको साइड में रखिए। तो ये मुद्दा पूरा बोला गया, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो गेम ऑफ स्किल जो है यहां पर, अगर उसमें मनी भी इन्वॉल्व हो जाती है तो इंडिविजुअल की तो फ्रीडम है ही, यहां पर बिजनेस भी आ जाता है, तो दो चीजें साथ में आ गई यहां पर, अब इंडिविजुअल भी आ गया और बिजनेस भी आ गया, तो आप लोग इसको इस तरीके से नहीं बोल सकते कि एडिक्टिव होते हैं ऑनलाइन गेम और ये सब चीजें, तो इंडिविजुअल की फ्रीडम और चॉइस का आप लोग हनन कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट था यहां पर, आप लोगों को गेम के बारे में पता चल गया, कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा क्या बोला गया, इसी के साथ में यहां पर गेम पूरा क्या है यहां पर, और इंटरनेट एंड द मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या बोल रही है, अपना पक्ष रख रही है। अच्छा, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोगों को रोका जाता है गेम खेलने से, और आप लोगों को क्या लगता है यहां पर, अगर आप लोगों से पूछा आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे, ये सही है या फिर गलत है, आप लोग अपनी राय क्या देंगे बताइए जरा, देखो आप लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में। और हां, थम्स अप जरूर दिया करो अगर आप लोगों को लगता है चीजें पसंद आ रही है, अपना थम्स अप आप लोग दे सकते हैं, और इसी के साथ में वीडियो के नीचे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आप लोग कोई डाउट हो तो अपना डाउट भी जरूर पूछा कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये गेम से रिलेटेड आर्टिकल था, काफी इंपोर्टेंट आर्टिकल था, पर लेकिन यहां पर राइट्स के अधिकार के बारे में बात की गई थी, को बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोल सकते हैं, और जीएस पेपर 4 के साथ में आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं, और वैसे डायरेक्ट भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात की जा रही है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में, ये प्लेयर कौन है, आप लोगों ने इनको देखा होगा, काफी इंपोर्टेंट प्लेयर है, एक जानी मानी हस्ती है, इनका नाम बताइए, देखता हूं किस किस को बताए, तब तक मैं आप लोगों को यहां पर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बता देता हूं, जो कि प्रीलिम्स के अंदर बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में जो टेबल टेनिस को गवर्निंग करने वाली बॉडी है, ये पहले यहां पर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश की गई थी यहां पर 1926 में, ठीक है, और यहां पर इंटरनेशनल जो टेबल टेनिस फेडरेशन है उसका एक फाउंडिंग मेंबर भी है। टोटल अगर बात करें मेंबर इंक्लूडिंग 32 स्टेट और 37 इंस्टीट्यूट आप लोगों को यहां पर इसके अंदर नजर आएंगे, ठीक है। दुष्यंत चौटाला जो है वाच अकेडमी के प्रेसिडेंट है, स्पोर्ट जो टेबल टेनिस हो गया, और इसके सेक्रेटरी अरुण कुमार बैनर्जी हो गए, बेसिकली दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और ये इसका लोगो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब ये सारी चीजें यहां पर मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूं और ये न्यूज में किस लिए है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर एक शब्द यूज किया गया कि अभी यहां पर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया गया हमारी कंट्री में, और यहां पर इसकी वजह से जो प्लेयर है जो खेलते हैं वो लिम्बो में आ गए। तो ये शब्द जो है लिम्बो, ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मैंने सोचा आप लोगों की वोकैबुलरी में एक नया शब्द ऐड कर देता हूं। तो चलिए लिम्बो स्टेज के बारे में जानते हैं। लिम्बो स्टेज का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जहां इंसान जो है दो सिचुएशन के बीच में फंस जाए, यानी कि ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, उसको समझ में ना आए कि आगे क्या होने वाला है, कुछ क्लियर नहीं है, तो उसको आप लोग लिम्बो स्टेज बोल सकते हैं। तो अगर आप लोगों को कहीं जाना हो और आप लोगों को कहीं नहीं जाना, तो आप लोग उसको बोल सकते हैं यार लिम्बो स्टेज में फंसा हूं, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, ठीक है। मतलब आप लोग शब्द को ना यूज किया करो, गलत हो रहा है सही हो रहा है उसको मत देखो, अभी यूज करना स्टार्ट करो, फिर आगे उनके मीनिंग भी समझ में स्टार्ट आने हो जाएंगे, तो इससे आप लोगों की इंग्लिश इंप्रूव होती नजर आएगी, है ना इंटरेस्टिंग सब। तो ऐड करिएगा इससे इसको और यूज कीजिएगा, ओके। अब आगे चलते हैं, आगे यहां पर क्या बात की जा रही है, ये है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा एक काफी शानदार प्लेयर है, यहां पर आप लोग इनको देख सकते हैं। तो मनिका बत्रा को क्या बोला गया, इनको ये बोला गया कि आप लोगों को बेसिकली मैच में हारना है, ठीक है, और हारना किससे, सोम्या दीप यहां पर जो हारना है, यह हारना इनको था यहां पर सुत्रिता मुखर्जी से, तो यहां पर इनसे इनको हारना था। ये किसके द्वारा बोला गया, ये थे बेसिकली सोम्या दीप रॉय जो टीम के कोच थे, उनके द्वारा बोला गया कि तुम इनसे हार जाओ ओलंपिक क्वालिफायर मैच में, ठीक है। तो ये इनके सामने इनके द्वारा बेसिकली बात रखी गई, उन्हें कह रहे कि एक तरीके से तुमको इतना पैसा मिलेगा अगर तुम हार जाती हो। और यहां पर इस मुद्दे को लेकर मनिका बत्रा को क्या किया गया, इनको ड्रॉप कर दिया गया एशियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने से लास्ट ईयर, और उसके चलते यहां पर बोला गया कि ये नेशनल कैंप में नहीं आई है इसलिए इनको यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया।
पर लेकिन जब पूरे मुद्दे की तह में जाते हैं तो यहां पर ये बेसिकली कोर्ट में गई और कोर्ट में पता चला जो एक घटिया इंसान एक घटिया कोच था जो ये बोल रहा है एक प्लेयर को, एक टीचर बोलने लगे एक स्टूडेंट को कि तुम कम मार्क्स लेके आ जाना क्लास में ताकि दूसरे वाले बच्चे के ज्यादा मार्क्स आ जाएं। तो समझ रहे हैं क्या मतलब है इसका, यही बातें यहां पर बोलेगी। तो बिल्कुल घटिया बात यहां पर बोलेगी। तो इसके चलते यहां पर ये कोर्ट में चली गई और कोर्ट में जब यहां पर सारी चीजें पता चली तो कोर्ट ने एक 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बनाई। अब उस कमेटी के बाद में पता चला कि यहां पर क्या किया गया, एक गलत स्टेप उठाया गया यहां पर। तो इसके चलते यहां पर टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और यहां पर जो आज के में जो कमिटी ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहां पर सारा चीजें देख रही है इसकी। तो अब मुद्दा यहां पर ये है कि अगर प्लेयर को सेंड करना है यहां पर खेलने के लिए तो वो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के अंदर में उनको सेंड किया जाएगा। तो यहां पर कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहां पर सेंड करेगी। अब मुद्दा यहां पर क्या आ रहा है घूमकर, मुद्दा यहां पर ये आ रहा है कि अब ये मान लीजिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया वो या फिर इंटरनेशनल लेवल पर जो भी बॉडीज होती है क्या वो इसको एक्सेप्ट करेगी, उनसे एफिलिएटेड कोई बॉडी यहां पर नहीं है और वो सेंड कर रही है प्लेयर को। तो प्लेयर के लिए बड़ी ही एक ऐसी सिचुएशन हो गई कि समझ में नहीं आ रहा है क्या होने वाला है। तो काफी ज्यादा दिक्कत उनको देखने को मिलने वाली है। तो जो यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा यहां पर डिसीजन लिया गया है कि एक कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपॉइंट कर दी गई है। तो प्लेयर जो है वो बेसिकली फंस गए हैं बीच में, अब यहां पर उनका क्या होने वाला है। तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिलेगी। और टेबल टेनिस हमारे लिए काफी शानदार गेम है अगर बात करें, क्योंकि दुनिया भर के गोल्ड जीते गए हैं। अगर बात करें पास्ट में यहां पर बात करें इंडिया के द्वारा 8 मेडल जीते गए जिसमें गोल्ड भी था कॉमनवेल्थ के गेम के अंदर बात करें, और मिक्स्ड डबल में भी ब्रोंज जीता गया 2018 में बात करें। तो हमारे एक काफी अच्छे सितारे हैं इसमें, तो उनके ऊपर एक आशंका के बादल मंडरा गए। तो ये काफी एक एथिक्स के अंदर अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे क्या ये एथिकल है अगर बात करें इस तरीके से अगर चीजें देखने को मिल रही है, तो यहां पर ये इस तरीके से गलत है बिल्कुल। और ये इस तरीके का व्यवहार देखने को मिले एक कैपेबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है और यहां पर उसको बेसिकली क्या करे पैसे दे दे 5-7 लाख रुपए और उसको पोस्ट पर बैठा दे और पढ़े लिखे इंसान जिसने अपना मेहनत कर रखी है घर से बाहर रहकर अपनी तैयारी कर रहा है उसको साइड में रख दे। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा मुद्दा था, मैं आशा करता हूं आप लोगों की समझ में आ गया होगा। समझ में आया नहीं आया हम सब देखकर आप लोग बता सकते हैं समझ में आया नहीं आया। और बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लिया कीजिए ताकि आने वाले टाइम में उसको क्लियर किया जा सके। तो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एक एक पॉइंट जो है वो आप लोग के माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर डिटेल में डिस्कस करूंगा और कई सारी बातें आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो ये जीएस पेपर 2 के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, अधिकार के बारे में या सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में भी आप लोगों से इश्यू बन जाते हैं। क्या है पूरा मुद्दा समझते हैं यहां पर। अभी बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक पर्टिकुलर डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया, ठीक है। और डिलिमिटेशन कमीशन जो बनाया गया यहां पर ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों का प्रीलिम्स से बन जाएगा। ये बेसिकली रंजन प्रकाश देसाई, जो रंजना प्रकाश देसाई जी हैं उनकी अध्यक्षता में यहां पर बनाया गया। तो इसके चलते यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा सीटों का बंटवारा किया गया। नॉर्मली अगर मैं आप लोगों से बात करूं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में तो इसके अंदर टोटल 87 सीट आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। करंट जो यहां पर इसकी इफेक्टिव जो स्ट्रेंथ थी जम्मू एंड कश्मीर असेंबली की वो 87 थी। तो 87 सीट के अंदर में यहां पर अभी क्या किया गया, 7 सीट जो है वो यहां पर ऐड कर दी गई। तो 60 सीट जो है वो ऐड करने के बाद में यहां पर कितनी हो गई, इसमें टोटल आप लोगों को 94 सीट देखने को मिलेगी। पर इन 94 सीट में से जो 4 सीट है वो यहां पर लद्दाख की आप लोग निकाल देते हैं तो यहां पर टोटल 90 सीट बच जाती है। तो जो 90 सीट बच गई यहां पर अगर आप लोग बात करते हैं इसमें आप लोगों को 24 सीट जो है बेसिकली वो आप लोगों को देखने को मिलती है जो पाक ऑक्युपाइड एरिया है। पाक ऑक्युपाइड एरिया मतलब आज की डेट में जो हमारा मैप है कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है गिलगित बल्तिस्तान वाला रीजन ये पाकिस्तान के अंडर में है, तो इसके लिए भी हम लोग सीट रखते हैं कि हाँ जब भी हमारा ये रीजन हमारे पास में आएगा तो उसके लिए हम लोग इलेक्शन करेंगे, तो इसके लिए 24 सीट हम लोग देते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। तो आज की डेट में टोटल मिलाकर यहाँ पर जम्मू और कश्मीर वाला जो रीजन है जो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गई और एक यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई। तो यहां पर इसके बारे में बात करूंगा, इसके अंदर टोटल मिलाकर अब 90 सीटें हो गई हैं डिलिमिटेशन कमीशन के हिसाब से जो कि रंजना देसाई जी की अध्यक्षता में यहां पर बनाया गया। तो सबसे पहले यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं, फिर आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए हमारी कंट्री में जब भी जनगणना होती है ना तो डिलिमिटेशन कमीशन हम लोग बनाते हैं। तो डिलिमिटेशन कमीशन जब भी यहां पर बात करता है तो यहां पर सीटों का बंटवारा करता है। तो रंजना देसाई जी के द्वारा भी यहां पर ऐसा किया गया। तो इसके चलते यहां पर अभी ये रिसेंटली ये न्यूज मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी इसके बारे में कि डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा यहां पर 6 सीट जो है यहां पर इंक्रीज कर दी गई। यहां पर बेसिकली ये यहां पर अलग अलग एरिया में से कश्मीर वाले रीजन में, ठीक है। तो
इसके चलते रिजर्वेशन जो सीट है यहाँ पर जो सबसे ऊपर मुद्दा बना है इस आर्टिकल में जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटों को रिजर्व कर दिया गया जिसके चलते यहाँ पर जो है अभी इशू बन गया है। नॉर्मली यहाँ पर एक पोर्शन के लिए तो रिजर्व रहती थी, दूसरे पोर्शन के लिए रिजर्व नहीं रहती थी, तो उसकी वजह से इशू बन गया। पूरा मुद्दा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा, कोई कंफ्यूजन दिमाग में नहीं छोड़ूंगा। बड़ा ही प्यारा सा आर्टिकल है। पहले आप लोग डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में समझिए। डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली फिक्स करना बाउंड्रीज को। आप लोगों ने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लोग वोट डालते हैं जाकर कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लोग वोट डालते हैं वो फिक्स की जाती है, अच्छा इतनी पॉपुलेशन है इसको यहां पर फिक्स कर देते हैं। और याद रखना जो आप लोग का डिस्ट्रिक्ट होता है इनके जिला होता है, जिले की बाउंड्री अलग होती है और कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री अलग होती है, तो यहां पर उसको फिक्स जब करते हैं पॉपुलेशन के बेस पर करते हैं ताकि अगर आप लोग सांसद और जो विधायक हैं, यानी कि सांसद कहां पर होते हैं वो पार्लियामेंट में होते हैं, विधायक कहां होते हैं वो आप लोग स्टेट की असेंबली में होते हैं, तो आप लोग जब भी वोट डालो किसी सांसद को या विधायक को तो वो वोट जो होना चाहिए एक इक्वल पर्सन होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि एक सांसद या विधायक तो जीत कर आ गया 5 लाख वोट से, ठीक है 5 लाख लोगों ने वोट दिया और दूसरे को एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बेसिकली 5 लाख लोग हैं और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप लोगों को ओनली 2 लाख लोग देखने को मिले, यानी कि एक तो इतनी सारी जनता के द्वारा यहां पर वोटिंग की गई और एक में यहां पर बेसिकली 2 लाख लोगों के द्वारा वोटिंग की गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक और जो सांसद है उनकी जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें सब में इक्वल जो पॉपुलेशन होती है यानी कि इक्वल पॉपुलेशन वोट डालती है सबके लिए, वरना ऐसा होगा कि इसको तो ज्यादा लोग रिप्रेजेंट करें तो ज्यादा ताकतवर हो गया, तो ऐसा नहीं होता है, सारे इक्वल होते हैं, ठीक है तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसके चलते यहां पर फिक्स की जाती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज और ये पॉपुलेशन के बेस पर फिक्स की जाती है, ये याद रखिएगा। अगर यहां पर हम लोग बात करते हैं तो वन वोट वन वैल्यू के बेस पर चीजें यहां पर चलती है, हर एक इंसान की वोट इक्वल है आप लोगों ने नॉर्मली देखा। और दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहां पर याद रखिएगा, आर्टिकल 82-82 जो यहां पर पार्लियामेंट जो है वो इनेक्ट करती है डिलिमिटेशन एक्ट, जिसके चलते हर सेंसस के बाद में ताकि हमारी कंट्री में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जा सके और यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको डिसाइड किया जा सके। आर्टिकल 170 जो यहां पर ये स्टेट को पावर देता है सेम काम करने का, ये यहां पर स्टेट के पावर में, ठीक है तो 82 यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो गया और यहां पर 70 जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो गया। डिलिमिटेशन कमीशन जो है यहां पर अगर बात करें, फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो 1950 में 1951 में बनाया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हेल्प से यहाँ पर, और एक एक्ट बनाया गया हमारी कंट्री में 1952 में, यानी कि जब भी डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है फिर एक एक्ट बनता है जिसके बेस पर पूरी प्रक्रिया चलती है, तो पास्ट में यहाँ पर 1952, 1963, 1973, 2002 में ऐसी प्रक्रिया यहाँ पर की गई, ठीक है तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब कुछ और बातें बताऊंगा जैसे कंपोजिशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा डायरेक्ट प्लेस में कि डिलिमिटेशन कमीशन में कौन कौन होता है। यहां पर जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, इसी के साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इसी के साथ में जिस स्टेट में डिलिमिटेशन कमीशन किया जा रहा है उसके आप लोगों को यहां पर बेसिकली स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलेंगे। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है और इसी के साथ में वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर पैरेलल में काम करता है। तो इसके चलते यहां पर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बता दी, कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। अभी जो मुद्दा है यहां पर, अभी मुद्दा यहां पर ये है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जब यहां पर आर्टिकल 370 हुआ करता था तो उस टाइम तक यहां पर बेसिकली क्या था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, तो जो यहां पर प्रोविजन थे पॉलिटिकल जो रिजर्वेशन था कि शेड्यूल कास्ट के जो बेसिकली शेड्यूल ट्राइब थे उनको आज की डेट तक भी प्रॉपर अधिकार नहीं मिलते थे। तो यहां पर अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत अगर बात करें तो यहां पर नॉर्मली अधिकार उनको मिलते नहीं थे क्योंकि वहां पर जम्मू एंड कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था। तो यहां पर अगर बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहां पर एक तरीके से रिजर्वेशन की जब आप लोग बात करते थे तो वो भी यहां पर पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट होता था। जब इलेक्शन का मुद्दा आता था तो वो बात करती थी, प्रॉमिस करते थे कि हम लोग तुमको रिजर्वेशन देंगे, पर लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था। हालांकि गुलाम नबी आजाद साहब जो है उनके द्वारा अपने टेंड्यूर में काम भी किया गया करने की कोशिश की गई, पर लेकिन हुआ नहीं। जैसे हमारी कंट्री में ना 33% रिजर्वेशन देने की बात करते हैं महिलाओं को, पर लेकिन दे नहीं पाते, ऐसा ही माहौल यहां पर देखने को मिला। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जब डिलिमिटेशन कमीशन आता है तो उसमें यहां पर कुछ चीजें चेंज की जाती है। उसमें बेसिकली जो यूनियन टेरिटरी है उसमें यहां पर आज की डेट में भी यहां पर डिलिमिटेशन कमीशन के चलते कई सारे लोग जो हैं वो अपने आप को बोल रहे हैं कि ये सही काम नहीं किया गया। जैसे जैसे सीटों का बंटवारा किया गया, जैसे 6 सीट जो है यहां पर जम्मू के लिए दे दी गई और 1 सीट एक्स्ट्रा यहां पर किसके लिए? कश्मीर के लिए दे दी गई। बोला था ना मैंने 7 सीट यहां पर एक्स्ट्रा कर दी गई है, 87 से उसको 94 कर दिया गया, तो वही बातें हैं यहां पर। तो इसके चलते यहां पर अभी बात करें तो 9 सीट जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रपोज की गई है। ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर होता है और फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया, तो इसके चलते यहां पर लोगों के अंदर काफी ज्यादा रोष हुआ। मतलब लोगों के अंदर नहीं, यहां पर बेसिकली अलग अलग तबके के लोग होते हैं तो उनको लगता है कि यहां पर हमारे साथ में कुछ गलत हो रहा है। और कमीशन के द्वारा यहां पर प्रपोज किया गया 7 सीट जो है यहां पर शेड्यूल कास्ट के लिए, तो इसके चलते यहां पर इशू निकल कर आ रहा है। पर लेकिन अगर बात करेंगे तो ये जरूरी भी है क्योंकि अगर बात करें गुज्जर हो गए, बकरवाल हो गया, गद्दीज और यहां पर सिपीज, इनको यहां पर अब तक का रिजर्वेशन नहीं दिया जाता था।
यहां पर इनको डिनाई किया जाता था आर्टिकल 332 पोस्ट 1991 के तहत। फोर कम्युनिटी जो है इनको एसटी का स्टेटस यहां पर दिया गया, जिसके चलते यहां पर इनको अब अधिकार भी मिलना चाहिए इनकी रिप्रेजेंटेशन का। क्यों? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन भी है। अगर बकरवाल कम्युनिटी के बारे में बात करें तो लगभग 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है। गदी जो हो गए यहां पर ये आज के में 40,000 के करीब, और सिपी जो 5,000 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और गुजर जो है यहां पर इनकी संख्या काफी ज्यादा है। तो आर्टिकल 370 जो है उसकी प्रेजेंस में अगर बात करें, जो चीजें रिजर्वेशन नहीं मिल पा रही थी अब रिजर्वेशन दिया जा रहा है, तो इसलिए यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर सोशल इंपावरमेंट के लिए, इकोनॉमिक इंपावरमेंट के लिए, और इनके अधिकार को भी इंप्लीमेंट किया जाए, और वुमेन का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ट्राइबल कम्युनिटी को आगे लेकर चलने की कोशिश यहां पर की जा रही है, ताकि उनके अधिकारों को ढंग से यूटिलाइज किया जा सके। तो उसके चलते ये पूरा आर्टिकल यहां पर लिखा गया है, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने बता दिए यहां पर। जैसे आर्टिकल आप लोग से प्रीलिम्स में देकर पूछ लें कि बताइए कौन कौन सा आर्टिकल कौन कौन से यहां पर बेसिकली डिलिमिटेशन का काम करते हैं सेंट्रल स्टेट के बारे में, तो इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। इसी के चलते अगर किसी को यहां पर अधिकार देना है, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के लिए यहां पर हो जाता है, कि यहां पर आर्टिकल जो 332 के बारे में आप लोगों से बात की, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ ले, डायरेक्ट पूछ ले यहां पर कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो यहां पर बेसिकली किसकी अध्यक्षता में बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर का, या फिर इसके अंदर कंपोजिशन के लिए क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, तो ये सारे वो बेहतरीन क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आप लोगों से बन सकते हैं, तो इनके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, वरना फिर आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, और इससे क्या रहता है, इससे फिर आप लोग ना अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं चीजों को, और फिर मार्क्स कटते हैं फालतू में। तो इसलिए आप लोग चीजों को अच्छे से समझा करो, और अच्छे से समझोगे चीजों को तो एग्जाम में भी आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो ये सारी बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, कोई भी कंफ्यूजन माइंड में आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम यहां पर नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहां पर ये बात कर रहा है कास्ट डेटा कलेक्शन के बारे में। देखिए हमारे देश में ना एक पर्टिकुलर सेंसस कंडक्ट कराया गया था आजाद भारत में, तो यहां पर उसके चलते यहां पर बार बार बातें निकल कर आती है कि उसका डेटा हम लोगों ने पब्लिश क्यों नहीं किया। तो इसके चलते यहां पर ये सेंसस कंडक्ट कराया गया था बेसिकली हमारी कंट्री में, जिसके चलते बोला गया था कि फिर से अभी यहां पर इस सेंसस को आगे लेकर चलना है, ठीक है। ये सेंसस 2011 में जनगणना 2011 में कंडक्ट कराएगी, और बात की गई कि कास्ट के बेस का डेटा इकट्ठा करेंगे। कास्ट मतलब अलग अलग जाति है हमारे देश में, पर लेकिन जो 2011 का सेंसस इकट्ठा किया गया ना, इसमें बोला गया बहुत ही गलत चीजें देखने को मिली, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जिनको अपनी कास्ट ही नहीं पता है। अगर कोई यादव कास्ट का है तो वो यदू लिख रहा है, कोई यदुवंशी दिख रहा है, तो एक ही कास्ट में से 50 कास्ट निकल गई, ठीक है। यादव ने कुछ ने यदू लिख दिया, किसी ने यदुवंशी लिख दिया, तीन तो कास्ट मैंने ही बता दी। लोगों को गोत्र और कास्ट में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके चलते यहां पर कंफ्यूजन हो जा रहा है लोगों को, तो उसकी वजह से भी दुनिया भर का डेटा ऐसा आ गया जो कि सही डेटा यहां पर नहीं था। तो ये जो डेटा है यहां पर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इकट्ठा करता है, तो इसके चलते यहां पर जो बेसिकली डिक्लेयर करना था इस डेटा पर, लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं किया गया। अब यहां पर बोला जा रहा है कि क्या 2021 का जो सेंसस यानी कि जनगणना चल रहा है उसके अंदर यहां पर जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो इकट्ठा किया जाए, तो क्या उसको प्रस्तुत करना चाहिए या इकट्ठा करना चाहिए, वो सारी बातें चल रही है। तो इसके चलते यहां पर कई सारी बातें निकल कर आती है। तो यहां पर जो सबसे पहले अगर याद रखिएगा आप लोग, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं कंडक्ट कराया गया था, ऐसा 1931 में भी ऐसा बेसिकली डेटा यहां पर कंडक्ट कराया गया था। हाँ, हमारी कंट्री में क्या होता है बेसिकली, अब ये चलता है अगर कास्ट डेटा पब्लिश कर दिया गया तो यहां पर बहुत सारी ओबीसी कम्युनिटी मान लीजिए बढ़ रही है, ठीक है, तो जो रिजर्वेशन दिया जाता है तो वो यहां पर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन चलता है। और इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है हमारे देश में याद रखना 50% से ज्यादा बोलता नहीं है कि आप लोगों को यहां पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो वो भी मुद्दा है यहां पर। तो कई सारी बोला जा रहा है कि अगर कल को चलकर यहां पर ये डेटा पब्लिश करते हैं जो कि फॉल्टी डेटा बताया जा रहा है, अनरिलायबल डेटा बताया जा रहा है, तो उसको लेकर कई सारे लोग जो है बातें कर सकते हैं और इससे दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो इसके चलते आगे आने वाले टाइम में जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, हो सकता है कि यहां पर उसके चलते ओबीसी का जो डेटा पता चला बढ़ गया काफी ज्यादा है, तो उनको रिजर्वेशन में कुछ चेंज करने की बातें की जाने लगे और देश के अंदर और ज्यादा रोष यहां पर देखने को मिले। तो इसके चलते अब तक भी यहां पर ये जो डेटा है वो पब्लिश नहीं किया जा रहा है। तो इसके चलते बार बार बात की जाती है कि इस डेटा को यहां पर पब्लिश करना चाहिए कम से कम, और उसी की वजह से यहां पर ये बार बार न्यूज में आता है। तो यहां पर ये जो कुछ बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, अगर ये माइंड में आप लोगों को क्लियर होगी तो आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, अच्छा क्या मुद्दा यहां पर चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें जैसा मैंने अभी आप लोगों को यहां पर बताया, तो ये सारी चीज समझ सकते हैं। कुछ और बेसिक डिफरेंस है, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है वो कंडक्ट कराया गया था फर्स्ट टाइम 1931 में। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो यहां पर बेसिकली सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के लिए 2011 के लिए बेसिकली मिनी रेस्पॉन्सिबल थी, इसके द्वारा यहां पर चीजों को आगे लेकर चला गया। कॉम्प्रिहेंसिव डोर टू डोर जाकर चीजें इकट्ठे की गई, और ये दोनों के लिए था, कंफ्यूजन में बता जाना, यहां पर गांव के लिए था नहीं, गांव और शहरों के लिए दोनों के लिए था। इकोनॉमिक स्टेटस वगैरह पता चल जाता है, क्या क्या यहां पर कास्ट नेम है वो सारी चीजें पता चल जाती है, और क्या क्या इनइक्वलिटीज है यानी कि कौन गरीब है कौन अमीर है वही बातें पता चल जाती है। तो जो नॉर्मल सेंसस होता है वो एक अलग सेंसस होता है, पर लेकिन यहां पर कास्ट फोकस सेंसस रहता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल सेंसस होता है वो सेंसस एक्ट के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है, 1948 का जो सेंसस एक्ट है याद रखिएगा, ठीक है। और 1940s में डब्ल्यू
WM जो यात्रीस हैं यहाँ पर बेसिकली सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया, इनके द्वारा बोला भी गया था कि जो सेंसस है वो बेसिकली लार्जली एक तरीके से पावरफुल टूल है, पर लेकिन इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक तरीके से अनसुटेड डेटा स्पेशलाइज्ड इंक्वायरी के लिए, यानी कि जैसे हम लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बनाया तो ये पर्टिकुलर कास्ट से रिलेटेड हो गया, तो यहां से हम लोग कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं, पर लेकिन अगर नॉर्मल जो जनगणना होती है उससे कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं निकल पाता है, यानी कि वो एक तरीके से ऐसा डेटा है एक तरीके से कि प्रॉपर उसको लेकर हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ऐसा कुछ कर लेते हैं, क्योंकि डेटा इतना ज्यादा एक्यूरेट होता नहीं है, तो ये खुद बोलते हैं। पर लेकिन अब की बात डिजिटल सेंसस चल रहा है तो चीजें देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिलहाल कौन हमारी कंट्री में रजिस्टर्ड जनरल ऑफ इंडिया है ये आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन है होमवर्क के तौर पर, और जो भी क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर जरूर दिया करो यार, अगले दिन आप लोगों को आंसर देखने को मिल जाते हैं, जैसे वीडियो के एंड में आज आंसर बताऊंगा डिटेल में, तो अच्छे से आप लोगों को उनको अटेम्प्ट करना है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक पॉइंट अगर ढंग से आप लोग करके चलोगे तो सारी चीजें आप लोग याद रखोगे, और जो भी क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर डिटेल में बताता हूं, तो टॉपिक की तरीके से आप लोग कवर हो जाएंगे वीडियो के एंड में। ठीक है, आगे चलते हैं, तो इंपॉर्टेंट है यहां पर न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन देखते हैं। यहां पर सबसे पहला जो आर्टिकल यहां पर फ्रंट पेज पर ही दे रखा है वो रशिया जो है उसके बारे में बात की जा रही है और यूक्रेन के मुद्दे को लेकर। तो रशिया क्या कह रही है यहां पर, बेसिकली वो कह रही है कि अपने ट्रूप्स को पुल बैक कर रहे हैं यहां पर नियर यूक्रेन बॉर्डर पर, लेकिन एक्सरसाइज जो है वो यहां पर कंटिन्यू बनी रहेगी, तो उसके चलते यहां पर चीजें देखने को मिल रही है। ये माना जा रहा है कि यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास में 130,000 के करीब यहां पर रशियन जो ट्रूप्स वो हैं आज के डेट में, तो इसके चलते हमारी कंट्री में भी एडवाइजरी इशू की गई है कि टेम्परेरी तौर पर यूक्रेन को छोड़ दीजिए, कल को चलकर अगर कोई इशू यहां पर बन जाए। मुद्दा क्या है बेसिकली समझ सकते हैं आप लोग, ये आप लोगों से बेसिकली हमारी कंट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है इंटरेस्ट पर, उसके चलते आप लोग देखते हैं। तो क्या यूक्रेन और जो रशिया का कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग टाल सकते हैं, तो ये जो यूक्रेन आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए जिससे कि चीजों के साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकें। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा। तो यूक्रेन को जब आप लोग यहां पर मैप में देखते हैं तो आप लोगों के सामने है यहां पर बेसिकली यूक्रेन। ठीक है, तो यूक्रेन के अंदर आसपास में आप लोग देखें यहां पर रशिया वाला रीजन है, तो ये फोर्सेस आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। और इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि यूक्रेन जो है वो चाहता है आगे आने वाले टाइम में कि नेटो का मेंबर बन जाए, तो इसको लेकर जो रशिया है वो काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि अगर कल को ये नेटो का मेंबर बन जाता है यूक्रेन तो इससे बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल जाएगी किसको, रशिया को, क्योंकि नेटो का मतलब यह है कि कोई इसका पार्ट बन गया तो कल को चलकर कोई इसको हाथ नहीं लगा पाएगा। वही डायलॉग जैसे मैं नॉर्मली बोलता हूं कि अगर नेटो के किसी मेंबर को हाथ लगा दिया तो समझ लेना बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। तो यहां पर आज की डेट में जब यहां पर यूएसएसआर का विघटन हुआ था 1990 के एयरफेयर में, तो उस टाइम पर यहां पर 15 नए कंट्री बन गई थी, उनमें से बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि आज के डेट में नेटो का पार्ट बन चुकी हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग यहां पर इस्टोनिया हो गया, लिथविया हो गया, लिथानिया हो गया, ये ऑलरेडी नेटो का पार्ट बन चुकी हैं, और अभी यूक्रेन को भी नेटो का पार्ट बनाने की बात की जा रही है। तो रशिया गुस्से में है कि नेटो जो है वो जो हमेशा से रशिया का दुश्मन हुआ करता था वो आज के डेट में रशिया के अंदर घुसता हुआ जा रहा है। तो रशिया बोला कि अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बनेगा तो भाई साहब फिर मुझसे एक्सपेक्ट मत करना कि मैं शांति में बैठूंगा, तो मैं यहां पर बेसिकली तैयार बैठा हूं, उस दिन ही चढ़ाई कर देनी है यूक्रेन के ऊपर, फिर कर लेना जो भी करना है। तो ये मुद्दा यहां पर देखने को मिल रहा है, तो आगे जो भी इशू होगा उसको हम लोग समझ लेंगे, ये पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को चीजें बता दी, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट मुद्दा था, सारी बातें आप लोगों को बेसिकली पता होनी चाहिए, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। ओके, आगे चलते हैं, ये काफी एक इंटरेस्टिंग आप लोगों को यहां पर इंपॉर्टेंट मुद्दा देखने को मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के द्वारा अभी हिजाब के मुद्दे पर अपना कमेंट किया गया, तो इसके चलते काफी बड़ा है यहां पर मुद्दा है, उनके द्वारा बेसिकली बोला गया है कि यूएन के अंदर भी जाकर बोला गया कि इसके खिलाफ कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए यूएन को, कि ये इंडिया के अंदर जो ये बातें चल रही है, मैंने बोला था ना कि क्या करते हैं अगर हमारे देश के अंदर कुछ होता है तो यहां पर पाकिस्तान कोशिश करता है कि उसको इंटरनेशनलाइज कर दिया जाए। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो यहां पर एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री आप लोगों को ग्रुप देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर जिसके अंदर लगभग 57 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसका हेडक्वार्टर सऊदी अरेबिया के अंदर में है बेसिकली अगर बात करें, और एक इसको बनाया गया था रबात किंगडम ऑफ मोरक्को के अंदर में 25 सितंबर 1969 के अंदर में। ये मुस्लिम वर्ल्ड जो है, मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री जो है, उनके अधिकार को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार न्यूज में रहती है तो पता होना चाहिए, और डायरेक्ट इससे क्वेश्चन भी बन चुका है पास्ट में अगर आप लोगों ने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे होंगे तो। ठीक है, अभी अगर बात करें हमारे लिए भी काफी इंपॉर्टेंट बात हुई थी यहां पर, पहली बार यहां पर जो सुषमा स्वराज जो थी, लेट सुषमा स्वराज अब हमारे बीच में नहीं है, इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था 46 सेशन जब यहां पर हुआ था। ठीक है, तो हमको यहां पर गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था, हालांकि पाकिस्तान को काफी ज्यादा मिर्च लगी थी उस टाइम पर, पाकिस्तान ने अपोज किया था कि इंडिया को नहीं बुलाना चाहिए, पर लेकिन फिर भी हम लोग यहां पर बुलाया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं।
काफी इंपॉर्टेंट है। 45th सेशन जो था यहाँ पर, ये फॉरेन मिनिस्टर का, ठीक है, वो बांग्लादेश में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग देखें, मोर देन 10% ऑफ वर्ल्ड मुस्लिम आज के डेट में अगर बात करें तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, बट पाकिस्तान के द्वारा अपोज किया जा रहा। फिर आगे चलकर फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई तो गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया, तो इंडिया जो है 46th मीटिंग में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो एक बार लोता पार्टिसिपेशन हमारा सुषमा स्वराज जी की साइड से किया गया, वरना आज तक पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसके साथ में। और आज के डेट में सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, उनके रिलेशन हमारे साथ में अच्छी है वो आप लोगों को पता है, ठीक है। पर लेकिन मुस्लिम कंट्री के लिए बनाया गया था, तो उसके लिए थोड़ा सा ये देखने को मिलता है कि कैसे इसको लेकर चलना है, वो वाला मुद्दा निकल कर आ जाता है, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, याद रखिएगा। क्राउड फंडिंग क्या होती है, और यहां पर बेसिकली जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पुश किया जा रहा है कि क्राउड फंडिंग के लिए आ गया है। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली क्या होता है, जब कोई कंट्री कोई कंपनी जो है वो पैसा कमाती है, ठीक है, और पैसा कमाकर यहां पर बेसिकली सोसाइटी में, अगर मान लीजिए कोई कंपनी क्या कर रही है आज के में, मान लीजिए बुक बना रही है, किताबें बना रही है, मोबाइल बना रही है, तो वो रॉ मटेरियल भी यूज कर रही है, ठीक है, वो यहां पर कुछ ना कुछ एनवायरमेंट में पोल्यूशन फैला रही होगी, हवा को पोल्यूट कर रही होगी, पानी की भी रिक्वायरमेंट होगी, इसके गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री हो गई कोई, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपना जो कमाई है उसका कुछ प्रतिशत जो है वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी सोसाइटी के वेलफेयर में दे। तो उसके चलते क्राउड फंडिंग में इसको लेने की बात की जा रही है, कुछ ऐसी बीमारी के लिए जो कि आज की डेट में रेयर डिजीज की कैटेगरी में आती है। रेयर डिजीज मतलब कोई ऐसी बीमारी हो जाए किसी बच्चे को जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, और अगर सोल्यूशन है भी तो वो इतना महंगा है कि उसको एक इंजेक्शन लगेगा और वो इंजेक्शन है 50 लाख रुपए का, ठीक है, या फिर कोई इंजेक्शन ले वो इंजेक्शन लगेगा 1 करोड़ रुपए का। अब आप लोग ये सोचिए, एक बच्चा है, एक गरीब तबका, कोई घर में रिक्शा चलाने वाला इंसान है, उसको 50 लाख का, उसको अगर 5,000 का भी कोई इंजेक्शन लगाना पड़ जाए तो उससे पहले सोचेगा यार क्या करूं इसके लिए, तो यहां पर दिक्कत हो जाती है। तो क्राउड फंडिंग क्या होती है, क्राउड फंडिंग होती है कि मिलकर सब पैसा इकट्ठा करें उसके लिए और फिर उसको बच्चे को दिया जाए। तो इसके चलते अभी रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि राइट टू हेल्थ एंड द हेल्थ केयर जो है ये बेसिकली राइट टू लाइफ के अंदर में आता है, और आर्टिकल 21 के तहत इसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, यानी कि एक तरीके से फंडामेंटल राइट हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है राइट टू हेल्थ और राइट टू लाइफ के बारे में। तो यहां पर अगर बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, अभी इसके चलते बोला गया था यहां पर बेसिकली फाइनलाइज करने की बात की जा रही है, ड्राफ्ट हेल्थ पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2020। इसके चलते यहां पर गवर्नमेंट भी यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, अगर कोई हाई कॉस्ट यानी बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ जाता है, रेयर डिजीज है, तो उसके लिए यहां पर एक सपोर्ट मिलना चाहिए। तो क्राउड फंडिंग जो यहां पर वो मेथड है एक तरीके से कैपिटल को रेज करने के लिए, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसके चलते क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूजन में नहीं आना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं, ओके। इसी के साथ में आप लोगों को याद होगा रेड फोर्ट यानी कि लाल किले पर जब यहां पर किसान जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस टाइम पर यहां पर दीप सिंधु, ये एक एक्टर है यहां पर पंजाबी, जो कि इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया था। अभी एक एक्सीडेंट के अंदर जो इनकी एसयूवी है वो यहां पर डैमेज हो गई और एक्सीडेंट के अंदर इनकी डेथ हो गई, यानी कि इनकी जान चली गई। तो काफी एक दुखद घटना आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, जिसके बारे में एक हल्का सा आइडिया रखिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा एक तरीके से न्यूज में थे यहां पर ये, ठीक है। इसी के साथ में मुखोपाध्याय यहां पर ये अब हमारे बीच में नहीं रही, अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन थी, तो एक बंगाली सिंगर थी यहाँ पर, ठीक है, तो संध्या मुखोपाध्याय इनका नाम था पूरा, 90 की एज में अभी हमारे बीच में से गई है, ठीक है। कई बार आप लोगों से पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में रहते हैं उनको मैच करने के लिए जाता है, तो इसके चलते आप लोग याद रखते हैं पहली जो फर्स्ट टाइम जो इनके द्वारा बेसिकली पार्टिसिपेट किया गया 1945 में, ठीक है। तो फर्स्ट एल्बम इनकी दुर्गा पूजा के नाम से यहां पर बेसिकली रिलीज किया गया सॉन्ग 1948 में, और इसके बाद में फिर यहां पर जय जयंती मूवीज में भी इनके द्वारा बेसिकली अपनी शिरकत किया गया, अब ये हमारे बीच में यहां पर नहीं रही, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, पद्मश्री अवार्ड दिया गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इनको, तो इसके चलते इनकी आत्मा को शांति मिले। तो दो इंपॉर्टेंट जो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर एक इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है यहां पर, जो कि आप लोगों को बेसिकली एंटी जो लिंचिंग बिल के बारे में बात की जा रही है, तो झारखंड, राजस्थान, मणिपुर और इसी के साथ में वेस्ट बंगाल के द्वारा एंटी लिंचिंग बिल लाया गया, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कुछ कुछ बातें जो आप लोगों को पता होना चाहिए। लिंचिंग का मतलब क्या था, मोब लिंचिंग मतलब जनता मिलकर यहां पर अपने आप को कानून व्यवस्था को हाथ में ले लें और अपने हिसाब से डिसीजन लें यहां पर। तो ये यहां पर जीएस पेपर 1 और 2 के अंदर इसको देख सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों करती है जनता, किसी को उठाकर मार दिया, उनको क्या करना पड़ता है ऐसा, एक तो इनटॉलरेंस होता है अपने रिलीजन के खिलाफ, किसी ने बोल दिया, बायसनेस देखने को मिलेगी यहां पर, वेरियस रिलीजन को लेकर कुछ उल्टी सीधी हरकतें की जा रही है, कई बार यहां पर काउ विजिलेंट देखने को मिलते हैं, कि एक तरीके से गोरक्षक वो बोल देते हैं कि यहां पर एंटी लिंचिंग के चलते यहां पर है कि एक तरीके से ये गाय का मांस लेकर जा रहा है उसको मार दिया, वो वाली चीजें होती हैं। कई बार ये रहता है कि जस्टिस टाइम पर नहीं हो पाता, उनको लगता है हम ही अपना जस्टिस कर देते हैं यार, ठीक है। कई बार पुलिस काम नहीं करते तो उनको लगता है पुलिस तो पता नहीं कब तक काम करेगी, हम इससे पहले जुगाड़ कर देते हैं,
ये चीजें देखने को मिलेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसे याद रखिएगा। जो यहां पर मोब लिंचिंग होती है वो ह्यूमन डिग्निटी का हनन है, और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के बारे में बात करते हैं, उसका भी अधिकार यहां पर हनन होता है। तो ये आर्टिकल 21 का भी हनन है यहां पर। राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करें, इन सब चीजों के बारे में, तो फंडामेंटल राइट जो 14 और 15 है, इसका भी आप लोगों को यहां पर हनन होता हुआ यहां पर नजर आएगा। इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करें, वायलेशन ऑफ द राइट के बारे में बात करें, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करें, तो ये सारी चीजें हनन हो रही है। इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता के अंदर अब तक यहां पर प्रॉपर इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया, तो इसके चलते अलग अलग राज्य जो हैं वो अपने कानून बना रहे हैं। हालांकि जो बात करें कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर बोला गया कि ये काफी खराब एक मोबोक्रेसी है। मोबोक्रेसी मतलब भीड़ तंत्र, यानी कि जनता अपने हाथ में काम कर ले, और बोला गया था फास्ट ट्रैक कोर्ट यहां पर होने चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ताकि ऐसे केस को देखा जा सके। तो तस्मीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2017 का, जो कि इसी के बारे में बात करता है। तो ये याद रख सकते हैं, क्वेश्चन भी डायरेक्ट बन जाए प्रीलिम्स में, या फिर आप लोग इसको वैसे भी समझ सकते हैं। तो देखिए डिटेल में नोट्स हैं आप लोगों के सामने, तो आप लोग अगर पीडीएफ डाउनलोड करेंगे सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की बात की गई चीजों को हैंडल करने के लिए, अगर कोई मोब लिंचिंग के बारे में फेक न्यूज भी फैला रहा है या फिर उनके बारे में उसको टैगल करना है, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर कंपनसेशन मिलना चाहिए अगर किसी को ऐसी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। आज की डेट में 3 राज्य वेस्ट बंगाल, राजस्थान, ये इसी के साथ में झारखंड, ये सारे राज्य इसके ऊपर कानून बना रहे हैं ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके, ठीक है। तो इंपोर्टेंट मुद्दा है, इसके बारे में याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक्सपोर्ट के बारे में, तो 25% टू यहां पर 34.5 बिलियन जो है वो अभी एक्सपोर्ट बढ़ गया है। जैसे हमारे देश में एक्सपोर्ट बढ़ता है ना, तो क्या होता है, हमारा व्यापार बढ़ गया तो हमको यहां पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग चीजों को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी यहां पर अगर हमारा व्यापार बढ़ रहा है तो ये हमारे लिए काफी अच्छा है, पर लेकिन हमारा एक्सपोर्ट जो है वो हमेशा इंपोर्ट से कम रहता है। आप लोग देखते हैं यहां पर हमारा जो इंपोर्ट है वो काफी ज्यादा है, यहां पर 51.93 बिलियन बढ़ा और यहां पर ये 34, तो इसके साथ में आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो यानी कि हम हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहते हैं। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है तब आप लोग याद रखिएगा, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं चीजें और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक छोटी सी चीज थी यहां पर इसके बारे में याद रख सकते हैं, जो कि मुझे आप लोग को बताना था। बाकी आगे चलते हैं यहां पर, ये अभी नेक्स्ट जो न्यूज है आप लोगों के सामने यहां पर, ये बेसिकली बात की जा रही है किसके बारे में, सीबीआई के द्वारा बुक किया गया 22,000 करोड़ का बैंक का जो फ्रॉड हुआ। अभी मुझे पता है इसके ऊपर जल्दी कोई ना कोई आप लोगों का एडिटोरियल भी देखने को मिलेगा। एबीजी सीपीआर एक कंपनी है यहां पर सिप बनाने वाली, बेसिकली गुजरात के अंदर में ये बहुत सारे सिप बना चुकी है, 100 से भी ज्यादा सिप आज तक बना चुकी है। तो इसने क्या किया, ये बेसिकली यहां पर इसको देखिए कोई भी काम आप लोग करना है उसके लिए पैसा चाहिए, तो यहां पर अगर किसी को पैसा चाहिए तो सीधा सीधा बैंक के पास में जाता है। पर लेकिन कई सारे बैंक इकट्ठा होकर जब पैसा दे एक कंसोर्टियम बना लेते हैं। कंसोर्टियम क्या होता है, कंसोर्टियम ही होता है कि एक बैंक से पैसा न लेकर कई सारे बैंक इकट्ठा होकर बोले और बोले यहां पर कि हम तुमको पैसा देंगे। तो यहां पर कई सारे बैंक, यहां पर 27-28 बैंक इकट्ठा हो गए, 28 बैंक है टोटल, तो इकट्ठा होकर उनके द्वारा सबने पैसा दे दिया कि भाई तुम कमाओ और हमको भी कमा कर दो, क्योंकि बैंक भी चाहता है पैसा कमाना। तो प्राइवेट बैंक भी है, आईसीआईसी जैसे और एसबीआई भी है, सबने मिलकर यहां पर पैसा दिया। अब ये भाई साहब ने ये पैसा लेकर क्या किया, इसने इसको कहीं और यूज करना स्टार्ट कर दिया, और यहां पर जो पैसा ले रखा था उसकी किस्त देनी बंद कर दी, तो वो एनपीए बनना स्टार्ट हो जाता है। 90 दिनों तक वेट किया था, उसके बाद में कहानी खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसके चलते सिचुएशन खराब होना स्टार्ट होगी। तो सीबीआई ने अब केस बुक कर लिया और इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों फंसी हुई है। क्यों? क्योंकि ये जो केस है ये केस लगभग 2012 से चल रहा है, ठीक है। तो 2012 से ये केस चल रहा है और अब तक यहां पर ये केस देखने को मिल रहा है। तो इसमें कांग्रेस बीजेपी के ऊपर, बीजेपी कांग्रेस के ऊपर लांछन लगा रही है कि तुमने किया, तो ये इश्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसके बारे में एडिटोरियल भी आएगा, तो और डिटेल में डिस्कस करूंगा, कई सारी और भी बातें आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन मत लेना, छूटता कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे पता है क्या क्या चीजें, टेंशन मत ले करो। इंपॉर्टेंट है यहां पर स्वामित्व विलेज स्कीम के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में 6 लाख के करीब जो विलेज हैं उनको 3D मैप पर उकेरने की बात की जा रही है, यानी कि अपने गांव को भी आप लोग आसानी से प्रॉपर वे में सर्च कर पाएंगे। तो ये पंचायती राज जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके अंदर स्वामित्व जो बेसिकली इसको बोला गया, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज जो टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया। तो ये यहां पर स्वामित्व की फुल फॉर्म है, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ये अप्रैल 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। तो इसके तहत यहां पर जो अभी फिलहाल जो मैप जो है वो दिए जा रहे हैं आने वाले टाइम में, और भी यहां पर मैप को अपडेट किया जाएगा। तो ये स्कीम काफी इंपोर्टेंट हो जाती है ताकि चीजों को अपग्रेड किया जा सके, और लैंड को अगर ढंग से हम लोग मैप कर देंगे तो आने वाले टाइम में लैंड से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो भी हम लोग टैकल कर पाएंगे, ठीक है, समझ गए ना।
आगे चलते हैं, यहां पर बात करें रसिया जो है वो प्रेशर में रसिया के प्रेशर में इंडिया आ सकता है क्या, ये बातें की जा रही है, क्योंकि अभी यूक्रेन के मुद्दे को लेकर इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि वो भी रसिया के ऊपर प्रेशर डाले। तो अभी यहां पर एक तरीके से म्यूनिख जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो उसमें यहां पर इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा, तो क्या सोल्यूशन निकलेगा वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये बातें की जा रही है, तो इसके ऊपर चलते आप लोग मुद्दा याद रखते हैं। बाकी यहां पर एक है यहां पर एनसीबी के बारे में, तो इसको यहां पर ड्रग डील के बारे में बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर जिसका नाम है यहां पर डार्क थोन 2022, ये याद रखिएगा ये क्या होती है। इसमें बेसिकली ये एनसीबी जो जिसको बेसिकली बोलते हैं नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसके द्वारा यहां पर अभी ये ऑर्गेनाइज कराया गया, और इसके जो आज के डेट में डीजी है डायरेक्टर जनरल वो है एसएन प्रधान, तो इनके द्वारा यहां पर तीन फेज में इसको इनॉग्रेट किया गया। एक बेसिकली क्या होता है, लोगों से आइडिया लिए जाते हैं ऐसी कोई जो डार्क थोन होती है, और लोगों को पूछा जाता है कि आप लोग इसको कैसे सोचते हैं, तो अगर कोई अच्छा आइडिया दे सॉल्यूशन निकालने का तो उनके आइडिया भी यहां पर लिए जाते हैं, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। पहले जीतने वाले को 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, दूसरे को 2 लाख रुपए, और तीसरे को 1.5 लाख रुपए, चौथे और पांचवे को 25,000 रुपए दिए जाएंगे। आप लोग भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर कोई अच्छा आइडिया आप लोग बताते हैं यहां पर कि किस तरीके से हमारे देश में आज के में हीरोइन होती है, गांजा होता है, ओपीएम होती है, सारी चीजें जो होती है ना इनको सीज करते हैं, कैनबीज यानी कि भांग जो होती है दुनिया भर का भी हमारे देश में सीज किया गया, तो इनको कैसे रोका जा सकता है उसके ऊपर आइडियाज मांगे जाते हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। आर्टिकल 47 संविधान के अंदर यहां पर बात करते हैं कि कंट्रोल करना चाहिए यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को इन सब चीजों के ऊपर में, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट मतलब गवर्नमेंट बोल देते हैं नॉर्मली संविधान में, उसको वर्ड स्टेट यूज कर लेते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पर एक हमारी कंट्री में कानून है नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985, जिसके तहत जो होम मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर इसको कोऑर्डिनेट करती है, और ये कोशिश करती है कि इसके ऊपर कोई भी पेनल्टी लगाई जा सके अगर कोई ऐसी हरकतें करते हैं, और इसके चलते यहाँ पर चीजों को टैकल किया जा सके। तो ये कानून आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक मुद्दा है, और इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेशन ट्रेंच आप लोग याद रखेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, और ये आप लोगों को पता है गोल्डन क्राइसेंट जो होता है ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और यहां पर गोल्डन ट्रायंगल वियतनाम लाओस थाईलैंड और बर्मा। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यार, छोटी छोटी बातें, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आज का यह है सुडोकु, इसको जाकर आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो बताना, इनको आप लोग भरा कीजिए, आप लोग के माइंड में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूं, तो जरूर फिल करना इसको, ओके। जब तक आप लोगों को कुछ बोलता नहीं हो तब तक आप लोगों का मजा नहीं आता है ना। मैंने कल बोला कि लड़के जो है वो आंसर नहीं दे रहे हैं, तो कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छे से आंसर दिया गया। तो यार कम से कम ऐसा मतलब किया करो कि बोलने के बाद कोई काम करते हो, ठीक है। यही बात ऐसे रहती है, मैं वीडियो को बोलता हूँ कि मैंने कहा वीडियो को थम्सअप दिया करो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो, बोलता हूं तो सही है वरना कोई बात नहीं है, ऐसा क्यों करते हो बताया करो जरा। तो अच्छे से यार पार्टिसिपेट किया करो, क्वेश्चन पूछता हूं तो आप लोगों से। यहां पर अवतार कोटवाल के द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए, और ये ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट है यहां पर, ये मतलब अपने नेक्स्ट फेज की तैयारी कर रहे हैं, तो काफी अच्छे से आंसर देते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा। तो यहां पर इनके द्वारा कई सारे आंसर दिए गए, क्वेश्चन के आंसर तो मैं आप लोगों को बेसिकली बता ही चुका था, अब यहां पर नेक्स्ट जो आंसर है वो देख लेते हैं। संतोष ट्रॉफी के बारे में पता होना चाहिए, फुटबॉल के लिए आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, कोई भी ऐसा बेसिकली आज के डेट में यहां पर जो ट्रॉफी वगैरह है उसको मैच करने के लिए पूछ लिया जाता है आप लोगों से, और पर्टिकुलर गेम के बारे में, ठीक है। मिनिस्ट्री फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। इसी के साथ में हमारी कंट्री में अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे IRNSS के बारे में आप लोगों से बात की थी, इसको बोलते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, इसको नाविक का नाम भी दिया जाता है वैसे, नेविगेशनल इंडियन कॉन्स्टिलेशन ये देखने को मिलेगा, जिसकी जो रेंज है लगभग आप लोगों को यहां पर 15,000 किलोमीटर की आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। क्या ये सही लिखा हुआ है यहां पर, अगर मैं आप लोगों से पूछूं 15,000 किलोमीटर रियलिटी में सही लिखा हुआ है, इसको चेक करिए चलिए आप लोग जाकर, ठीक है। ये 15,000 नहीं है, देखिए आप लोगों को ऑप्शन में भी कई बार स्टेटमेंट दे देगा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है कई बार लोगों को, तो ये क्या है यहां पर, ये 1500 किलोमीटर है, ठीक है। तो कई बार आप लोगों ने देखा हो कईयों को कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे इनको भी कंफ्यूजन हो गया अभी, तो ये 1500 किलोमीटर की रेंज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, तो याद रखिएगा अब इसको मत भूलना, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें जो आप लोगों से पूछा गया था हिजाब के बारे में, तो हिजाब या फिर बुरखा के बारे में आप लोगों से बात की थी, तो कई सारी कंट्री में यहां पर अगर बात करें तो इसको बेसिकली जिसे बोलते हैं ना कि कई सारी कंट्री में आज के में यहां पर कोशिश की जाती है कि यहां पर यूज नहीं किया जाए, पर लेकिन कई का सारी कंट्री जो है अच्छे से इसको फॉलो करती है, तो उसी के बारे में इनके द्वारा अपना आंसर दिया गया। बाकी यहां पर जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन था वो था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, याद रखिएगा आर्टिकल 23 संविधान के अंदर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात करता है, जब पार्ट थर्ड में आप लोग जाते हैं, फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल राइट में पार्ट थर्ड में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, तो उसमें आर्टिकल 23 जो है ये इंपोर्टेंट है जो आप लोग को पता होना चाहिए, और आर्टिकल 24 तो मैं आप लोगों को बोलते हूँ ये तो आप लोगों को याद होता ही होगा, जो कि चाइल्ड लेबर के बारे में बात करता है। के सिवन जो है यहाँ पर ये लास्ट चेयरमैन थे इसरो के, और अभी जो है एस सोमनाथ है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है कई बार, और सेक्युलर वर्ड जो है ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, सेक्युलर सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये तो आप लोगों ने कई बार एग्जाम में देखा होगा।
ये सारे के सारे जो शब्द थे ना यार, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था हमारे संविधान में, और ये किया गया था 1976 में। और 1976 में उस टाइम पर आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, कब से कब तक, 1975 से लेके 1977 तक का। तो ये जो इमरजेंसी का टाइम था ना उस टाइम पर आप लोगों ने देखा कि यहां पर हमारे देश में एक छोटा सा संविधान संशोधन किया गया, यानी कि छोटा सा नहीं था, बहुत बड़ा सा था, छोटा सा उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया गया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों? क्योंकि उसने इतने सारे अमेंडमेंट कर दिए देश के संविधान में कि उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने बोल दिया। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, जिसके चलते यहां पर काफी सारे इश्यूज देखने को मिले। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके नेक्स्ट लेवल जो बन सकता है, इसको सारा जो अमेंडमेंट किया गया था 42nd, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, बहुत सारे अमेंडमेंट यहां पर बेसिकली नल एंड वॉइड करार दिए गए, और फिर 44वां संविधान में संशोधन किया गया था 1978 में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे जो चेंज किए गए थे उनको सुधारा गया। और आप लोगों को यह बताना है 1978 में प्राइम मिनिस्टर कौन बनकर आए थे इंदिरा गांधी जी के बाद में, जब फिर से यहां पर यह संशोधन किया गया। ये काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग अगर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पढ़ोगे तो कई सारी ऐसी स्टोरी जानने को मिलेगी। आज की डेट में जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर का नाम है इब्राहिम रायसी, तो ये याद रखिएगा, करंट जो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, और पहले जो थे यहाँ पर उनका नाम था हसन रूहानी, ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर जो बेसिकली ये इनके द्वारा आंसर दिया गया था जो मैंने पूछा था, बाकी यहाँ पर चाइना की जो कैपिटल बीजिंग है, कई सारे लोग संघाई बोलते हैं, ठीक है, और प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर शी जिनपिंग है, पर लेकिन मैंने आप लोगों से प्रेसिडेंट नहीं प्राइम मिनिस्टर पूछा था। इनका नाम यूपीएससी में भी आप लोगों से शायद एनडीए सीडीएस में पूछा गया था, तो उनका नाम था ली केकियान, ठीक है, तो वो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों से मैंने पूछी थी। अब वो क्वेश्चन देख लेते हैं जिनके आंसर के बारे में आप लोगों से बात की थी, एक एक क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। केन बेतवा जो ये लिंक है, इसमें बजट में भी इसके बारे में बातें की गई, तो ये कहां से होकर गुजरता है, तो आंसर है इसका ए, तो ए आप लोग याद रखेंगे यहां पर, जो कि क्वेश्चन बन सकते हैं। ये यहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। अभी यहां पर रिसेंटली जब बजट प्रस्तुत किया गया उसमें बोला गया कि दो रिवर है, एक का नाम है केन और दूसरी का नाम है बेतवा, तो केन और बेतवा को ये लिंक किया जा रहा है रिवर को, तो इनको लिंक करने के बाद में यहां पर बेसिकली जो बुंदेलखंड वाला रीजन है यहां पर उसमें पानी को बेसिकली लेकर चला जाएगा, ठीक है। तो इधर केन रिवर होगी यहां पर और इधर आप लोगों को बेतवा रिवर देखने को मिलेगी, तो इनको जब यहां पर इंटरलिंक किया जाएगा तो काफी लार्ज स्केल पर उस एरिया में पानी पहुंचाया जाएगा जहां पर पानी नहीं है। तो रिवर इंटरलिंकिंग के जो प्रोजेक्ट है हमारे देश में काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इसलिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर एग्जाम में बन जाएगा, क्योंकि बजट में भी इसके बारे में जिक्र किया गया। एक और एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्वेश्चन बनने के चांसेस आप लोगों से हो सकते हैं यहां पर भी प्रीलिम्स के अंदर में। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में एक बॉडी क्रिएट की गई जिसको बोलते हैं एनआईआरए, मतलब इसको बोलते हैं नेशनल इंटरलिंक ऑफ रिवर्स अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल इंटरलिंक ऑफ रिवर्स अथॉरिटी। तो ये एक बॉडी बनाएगी जो कि यहां पर इस चीजों को सबको देखेगी, जो कि किस तरीके से हमारी कंट्री में यहां पर रिवर को इंटरलिंक किया जा रहा है उसके बारे में बात करेगी। अब इंटरेस्टिंग चीज यहां पर यह है कि ये जो बॉडी है ये रिप्लेस कर रही है एक बॉडी को जो होया करती थी, जिसका नाम था NWDA, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ लेगा कि यहां पर इसके द्वारा किसको रिप्लेस किया गया है, तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, ठीक है, तो ये उसको रिप्लेस कर रही है यहां पर, जो कि एक नई बॉडी बनाई जा रही है, क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे रिवर लिंक के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं आज के डेट में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, मैं आप लोगों को जो इंटरलिंक सारे जो रिवर के जो यहां पर आज के डेट में जो सारे प्रोजेक्ट है उनका एक चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा SLVpedia वाले चैनल पर, ठीक है, जहां पर मैंने और भी कई सारी चीजें प्रोवाइड कराई हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो कल मैंने कई सारी चीजें वहां पर प्रोवाइड कराई हैं, जिसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं और आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक टॉपिक हो जाता है आप लोगों का, आगे चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जो मैंने आप लोगों से पूछा था करंट्स के बारे में। तो ये एक जो चार्ट है आप लोगों के सामने, इसमें कई सारी करंट दे रखी है, जैसे लैब्राडोर हो गया, ठीक है, इधर आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गया, यहाँ पर कैनरी हो गया, ठीक है, यहाँ पर ओयाइसो ये वाली करंट हो गया, और यहाँ पर कुर्सियो वाली करंट हो गया जो कि जापान के अंदर देखने को मिलेगी। जो रेड वाली है यहाँ पर इनको बेसिकली गर्म आप लोग हॉट करंट बोलते हैं, और जो ग्रीन वाली है इनको आप लोग ठंडा करंट बोल सकते हैं। रीजन क्या है, नॉर्मली इक्वेटर से जब आप लोग ऊपर जाते हैं तो आप लोगों को हॉट करंट देखने को मिलती है, आखिर क्यों, क्योंकि इक्वेटर जो होता है यार वहां पर ना गर्म पानी पाया जाता है, तो गर्म पानी है यहां पर काफी लार्ज स्केल पर। अब यहां से जो स्टीम चलेगी पानी की, ये ऐसा नहीं कि कोई करंट लगेगा आप लोगों को, नहीं, बेसिकली पानी का बहाव है, यानी कि जो गर्म पानी है जब इक्वेटर से उधर को चलेगा तो इसको हॉट स्टीम बोल देते हैं, और जब ऊपर से पानी जो है वो नीचे को आएगा तो उसको कोल्ड स्टीम बोल देते हैं, क्योंकि वो ठंडा पानी रहता है। तो होल्ड करंट जो ओल्ड जो इसको हॉट करंट और कोल्ड करंट, इस बेस पर इनका नाम दिया गया है, ठीक है। अगुलास आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है मेडागास्कर वाले एरिया में, ठीक है। इसी के साथ में बगुला, अगुला और बगुला कई बार पूछ ली जाती है क्योंकि एक जैसे नाम है तो कंफ्यूजन में डाल देते हैं। तो जो यहां पर ईस्टर्न कोस्ट है,
बेसिकली उस पर आप लोगों को देखने को मिलेगी अगुला, और जो वेस्टर्न कोस्ट है उस पर आप लोगों को देखने को मिलेगी बगुला। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ईस्ट तो है अगुला और बीस यहाँ पर वेस्टर्न कोस्ट है बगुला। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ब्राजीलियन करंट आप लोगों को देखने को मिलती है, इसी के साथ में पेरू करंट आप लोगों को देखने को मिलती है, कैलिफोर्निया करंट यहाँ पर आप लोगों के सामने निकल कर आती है। ठीक है, ये तो इस तरीके से यहाँ पर वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट होगी, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट होगी, ईस्ट में होगी इसका नाम रख दिया ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, और वेस्ट में होगी इसका नाम रख दिया वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ में यहाँ पर जो ग्रीनलैंड करंट होगी नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होगी यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ में एक करंट जिसका नाम कई बार पूछा गया है यहाँ पर इर्मिंगा। ठीक है, तो ये करंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर, तो ये सारी की सारी करंट मैंने आप लोगों को इसलिए बता दी, इनको एक बार पिक्चर को अपने पास में रखिएगा और देखते रहिएगा, एक दो बार आप लोग इसको अगर आंखों में को निकाल लोगे तो यार एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, और एक क्वेश्चन का मतलब होता है आप लोगों के दो नंबर तैयार हो गए। ठीक है, तो इसलिए हमेशा इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखा करो। ठीक है, तो डिटेल में आप लोग ऐसे एक्सप्लेन कर दिया करूंगा ताकि अच्छे से आप लोगों का टॉपिक भी कवर हो जाए साथ साथ में। आई होप कि आप लोग इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, बाकी बताइएगा अगर कोई और बातें आप लोगों को लगता है माइंड में। देखिए, मैं जितना कोशिश करूंगा, लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, उसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना, पर लेकिन कोशिश किया करूंगा ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को डिटेल में चीजें बता दिया करूं ताकि रिविजन भी आप लोगों का होता रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में बात की जा रही है, तो पूरी एक स्कीम आप लोग यहां पर तैयार हो जाएगी। मतलब क्या है, इसमें कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर इसका सी हो गया। सी का मतलब क्या है यहां पर, सी का मतलब यहां पर यह है कि 1 और 3 सही है। इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड गलत है। जी हाँ, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोल देगा इसको। आप लोग खुद भी समझ सकते हैं कॉमन सेंस से, क्या सेंटर जो है अपनी बेसिकली कमर के ऊपर इतना बोझ उठाएगा कि देश के अंदर जितनी भी सारी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं और या फिर जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं, उनका सारा भार देश अपने ऊपर उठाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऊपर उठाएगी? नहीं, वो स्टेट के साथ मिलकर काम करेगी। तो सेंट्रल स्टेट के द्वारा जो मिलकर काम किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर मतलब दोनों मिलकर काम करेंगे, कहते हैं साथ ही हाथ बटाना, तो वही बातें हो रही है यहाँ पर। लेकिन अकेला करेगा तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर एक काम करेगा तो उसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोल देते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला काम करेगा, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग समझ सकते हैं। अभी रिसेंटली क्यों न्यूज में थी, पहले यहाँ पर यह था इसके अंदर बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन हुआ करती थी इस स्कीम के अंदर में, तो उसकी वैसे दिक्कतें देखने को मिलती थी। यानी कि ऐसे नहीं कि एक तरीके से माँ है तो बेसिकली अगर कोई वुमेन है तो उसको अपना इस स्कीम का फायदा उठाना है उसको, तो उसको अपने हस्बैंड का भी आधार कार्ड लगाना पड़ता था। अब मान लीजिए आप किसी का डाइवोर्स हो गया, या फिर मान लीजिए किसी के जो है बेसिकली हस्बैंड की डेथ होगी, तो फिर क्या किया जाए उसका? तो इसके चलते बोला गया कि अब यहाँ पर हस्बैंड के आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काफी एक काफी शानदार स्टेप आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके चलते ये रिसेंटली न्यूज में आ गई थी। 2017 में स्कीम लॉन्च की गई थी, और यहाँ पर ये एक बोला अभी मैंने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है यहाँ पर, और प्रेग्नेंट वुमेन को यहाँ पर डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसे पहुंचाती है, और कल को उनका जॉब लॉस भी हो जाता है तो एक तरीके से उसकी भी भरपाई यहाँ पर हो जाती है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट स्कीम है जो कि आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होंगे, तो आप लोग अच्छे से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, इसलिए कहता हूं चीजों को ढंग से सुना करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, चलते चलते आप लोग भी कहोगे कि सर छोड़ते नहीं है। चलिए बताइए फिर भी, ये जो स्कीम है यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है, आप लोगों को उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है। ठीक है, हालांकि दे रखे हैं यहीं पर ही आप लोगों के सामने, ध्यान से पढ़ लिया करो ये देखो। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगा, मिनिस्टर बताओ चलो कौन है इस मिनिस्ट्री के। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं यार, आप लोग ये क्वेश्चन अच्छे हो जाते हैं अगर आप लोग इन चीजों को अच्छे से कवर करके चलते हो तो। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। तो तीन टॉपिक यहाँ पर कवर करा दिए मैंने आप लोगों का, एक तो रिवर वाला हो गया टॉपिक, एक यहाँ पर करंट वाला हो गया, और एक यहाँ पर आप लोगों का स्कीम हो गया। तो इस तरीके से चीजों को साथ में कवर करते चलो और डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे एग्जाम में आप लोगों के देखने को मिल जाते हैं। तो आइए अब आप लोगों को अंग्रेज बनाता हूँ। 5 डेली वोकैबुलरी आप लोगों को देखने को मिलती है, अंग्रेज तो नहीं बनेंगे पर हाँ इतना जरूर होगा कि एग्जाम जरूर क्लियर हो जाएगा। NDA, CDA, PPF, CIPF में, या फिर आप लोगों ने बेसिकली CGL वगैरह, या फिर बैंकिंग में भी शायद पूछे जाते हैं यहाँ पर कि आप लोगों से एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह कहीं, तो आप लोग यहाँ पर उनको यूज कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग में भी अच्छे से शब्द यूज करेंगे आप लोग, ऐसे में यूज करेंगे, और आप लोग की इंग्लिश भी इंप्रूव होगी। तो कोशिश किया करो डेली कम से कम इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करने की, इतनी मेहनत की जा रही है, कुछ फायदा उठा लो यार इसका। ठीक है, तो आप लोग चीजों को थोड़ा सा इंप्रूव करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर बात की जा रही है पेडियाट्रिक्स के बारे में, बाल चिकित्सा। बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चों के रिलेटेड जो भी यहाँ पर बीमारी होती है, उनकी डिज होती है, उनकी देखरेख करने वाला। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यहाँ पर बात की जा रही है लेजर,
तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा खाता बही, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से कहां पर क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसके बारे में यहां पर ये बात करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कई बार कि इसके बारे में बेसिकली बताइए कुछ भी। आप लोग देखिए सेंटेंस फॉर्म करके आप लोग एक बार देखोगे ना तो चीजें लंबे समय तक याद रख पाओगे और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ट्राई करो, गलत कौन कर रहा है सही कौन कर रहा है ये मत देखो, बस ट्राई करो, ठीक है। मां के फिर से सीख के नहीं आता है कोई भी। नेक्स्ट बोला गया फ्रॉडुलेंटली, यानी कि धोखे से। आप लोगों ने फ्रॉड सुना होगा, वर्ड्स फ्रॉड कि बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं, तो उसी से चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक तरीके से इसके बारे में आप लोगों को पता ही कोई बताने वाली बात नहीं। स्टीप का मतलब है ढलाव, एक तरीके से आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ऐसे ढलाव जो हो जाते हैं उसको स्टीप बोल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में एक्वायरेशन, तो आप लोगों ने सुना है अधिग्रहण करना, किसी चीज को एक्वायर कर लेना कि उसने उसको खरीद लिया, उसने उसकी कंपनी को खरीद लिया, तो ये होता है बेसिकली एक्वाइजेशन, ठीक है। तो एक तरीके से अधिग्रहण बोलते हैं इसको। हिंदी थोड़ी सी यहाँ पर उल्टी सीधी हो गई कई जगह, इसको थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। पर लेकिन ये वोकैबुलरी डेली 5 आप लोगों को देता हूं, तो यार इनको अच्छे से ट्राई किया करो, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा अगर रेगुलर आप लोग चीजों की प्रैक्टिस करोगे। अगर देखिए ऐसे तो इंसान बढ़ता है आगे, कोई मां के पेट से सीख के नहीं आता है, तो रेगुलर इनकी प्रैक्टिस करो, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना और थम्स अप देकर आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, और इसी के साथ में 10 में से कितने मार्क्स देंगे आज के लेक्चर को ये जरूर किया करो, और अपना भी दिन कैसे आप लोग यूटिलाइज करने वाले हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। अच्छा लगता है जब मैं पढ़ता हूं आप लोग एक कमेंट कि हाँ आज के दिन में पॉलिटी पढ़ेंगे, करंट अफेयर पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी ये रिविजन करेंगे, मुझे भी अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे रेगुलर कर रहे हैं इस काम को, कर करते देख अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। ये आप लोगों को बताता हूं, आप लोग इसको ट्राई करके देखो। बाकी सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है टेलीग्राम पर, आप लोग जाकर उनको एंजॉय कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए जब भी आप लोग एग्जाम पास में उसको आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। और बाकी अपनी अपनी और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं यार, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों का नमस्ते, छोटों का प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।